भक्ति वेदानंद श्रीला श्री भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरु पाद पद्म नित लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज प्रभु शशिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज नितलीला प्रभु शशिल भक्ति विज्ञान भारत गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे इंद्र पूजा को बंद करवाए और इसका पहला कारण बताए, अगर झोली फैलाना तो जिसको जिसको पास में झोली मत फैलाओ, ऐसे व्यक्ति को पास में झोली फैलाओ जो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। कभी ये कौन है? बोले श्री गिरिराज बाबा है और श्री बांके बिहारी कृष्ण है। इसलिए उन्होंने किसकी पूजा बंद करवा दिए? बोले इंद्र की। बोले इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग के राजा और सारे देवताओं का जो राजा उनको पूजा बंद करवा दिया। बंद करा के बोले किसकी पूजा करो? बोले से गिरिराज गोवर्धन की। और ये गिरिराज गोवर्धन कौन है? बोले ये स्वयं श्री भाग्य बिहार कृष्णा, ये स्वयं श्री गिरिराज गोवर्धन है। क्योंकि जगत में 33 करोड़ देवता है, अभी कितने को पूजा करे और कितने को मनाए? कहते एक को मनाओ तो दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति श्री गिरिराज की पूजा कर ले, श्री बांके बिहार जी की पूजा कर ले, कहते 33 करोड़ देवता कहते ये अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहते ये एक कारण है। अरे दूसरा कारण क्या है? अभी इंद्र का मन में बड़ा अभिमान है, मैं स्वर्ग का देवता हूँ, अगर मैं बारिश नहीं बरसा हूँ ये ब्रजवासी लोग सब। अभी कृष्ण ने सोचा मैंने तुमको ये इंद्र पद दिया और ये ब्रजवासी कौन तुम्हें पता है? ये राधा रानी कोई अलग नहीं मेरे से अभिन्न स्वरूप है और मेरी सखा सखी और जितने मेरे पिता माता हैं। अगर कभी नंद बाबा कृष्ण को बोले बोले लाला थोड़ी सी मेरे खड़ाव ले आ, कृष्ण ठुमक 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 नाचते नाचते जाते हैं, खड़ाव का हाथ में नहीं खड़ाव को। बेटा जब बड़ा होगा ना पिता माता खूब सेवा करेंगे, नंद बाबा बड़े खुश हो जाते हैं। अगर नंद बाबा कोई पान खाते हैं कृष्ण क्या करते हैं? जा करके मुंह से निकाल करके, जैसे बच्चे होते हैं ना उसको निकाल कर कृष्ण खुद उनको झुटन खाते हैं। नंद बाबा कभी कभी कृष्ण बलराम को गोद में बैठा करके, जैसे हम बच्चों को भोजन कराते हैं कभी दही चावल कभी कढ़ी चावल, कभी कृष्ण को मुंह में एक कौर देते हैं और श्री बलराम जी के मुंह में एक कौर देते हैं, देख करके फिर नंद बाबा स्वयं एक कौर नंद बाबा स्वयं खाते हैं। इसका मतलब है कृष्ण स्वयं नंद बाबा का झूठन को खाते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं उनको झूठन को खाते हैं। इसलिए अभी इंद्र अभी कृष्ण सोच रहे हैं, देखो अभी इंद्र को अभिमान है, अभी मैं स्वर्ग का राजा हूँ और ये ब्रजवासी सबके सब कौन है? कहते ये मेरे सबके सब, ये मेरी प्रजा है। इसलिए कृष्ण अभी इंद्र का अभिमान को अभी तोड़ना चाहते हैं, इंद्र की अभिमान को तोड़ना चाह रहे थे। इसलिए कृष्ण ने किया कि इंद्र को पूजा को बंद करवा दिए और पूजा बंद कराते श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा करवाई। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री बांके बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। यदि ये दूसरा कारण है, बोले तीसरा कारण क्या है? अभी कृष्ण की मन में इच्छा है ये ब्रजवासियों को साथ में मैं 7-7 दिन तक एकत्रित होकर के मैं उत्सव करना चाहता हूँ। अब कभी कभी गोपियों से मिलना बड़ा कठिन होता था और राधा रानी से मिलना बड़ा कठिन होता था। अभी कृष्ण सोचते हैं
ऐसे क्या काम करें जो कि सारे ब्रजवासियों को साथ में मैं एकत्रित होकर के मैं 7 दिन तक उत्सव मनाऊं। इन्होंने सोचा जब इंद्र बारिश बरसाएगा, जब मैं गिरिराज गोवर्धन को धारण करूंगा, सारे ब्रजवासी अभी गिरिराज की तलहटी में सबके सब आश्रय ग्रहण करेंगे। जब आश्रय ग्रहण करेंगे फिर तो आसानी से ही इनको साथ में मेरा मिलन हो जाएगा। इसलिए कृष्ण गिरिराज पूजा की प्रारंभ होती है। इस पर चौथा कारण क्या है, कृष्ण गिरिराज क्यों उठाए और उन्होंने इंद्र पूजा क्यों बंद करवाया, ये सर्वश्रेष्ठ कारण है। कहते भगवान के सबसे श्रेष्ठ लीला कौन सा, बोले प्रभु का रास लीला है। प्रभु जब मारपीट करेगा और सबको हरा देगा, वो हीरोइन सोचेगा देखो बड़ी बहादुर है, बड़ा ताकत है, वो हीरोइन उसके ऊपर में अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाता है। बोले ब्रज का हीरो कौन है, बोले कृष्ण। बोले हीरोइन कौन है, बोले राधा रानी और ये ब्रज गोपियां। अभी कृष्ण सोच रहे हैं अभी ये हीरोइन को मैं आकर्षण कैसे करूं, इसलिए कृष्ण को उन्हें 2 बहादुरी दिखाना पड़ा। बोले पहला बहादुरी किया, बोले कृष्ण कालियों के सर पर नृत्य किया, ये इनका पहला बहादुर था। क्योंकि कृष्ण दिखाया देखो तुम लोग बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे, कोई रस्सी को पर नाचते हुए होंगे, कोई सर पर कलश रख करके कोई नाचता है, कोई रस्सी को ऊपर में, कोई तलवार को ऊपर में, लेकिन आपने कभी देखा है कोई सर्प के सर को ऊपर किसको नाचते हुए देखे थे? और कालियों का कितना फंड था, बोले 100 फंड था कालियों का। कृष्ण एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे कृष्ण नृत्य कर रहे थे इतने जल्दी। वहां पर सारे देवता लोग स्वर्ग से उतर करके आ गए और उतर करके आ गए, वाद्य बजा रहे थे और कृष्ण नृत्य कर रहे थे। बोले कैसे वाद्य बजा रहे थे, तब हमारे सूरदास जी एक बड़े सुंदर भजन गाते हैं, वो गाते हैं बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, 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 सोचते थे जितने सारे नाचने वालों में मैं सबसे बढ़िया नृत्य मैं करता हूँ, लेकिन जब आज शंकर जी श्री बांके बिहारी को देखा सर्प के सर पर नृत्य कर रहे हैं और जितने देवता लोग बाजा बजा रहे थे और कृष्ण इतने तेजी से चरना चला रहे थे, देवता लोग बाजा नहीं बजा पा रहे इतने तेजी से, इसलिए शंकर जी बोले भैया बम बम बलिहारी श्री बांके बिहारी लाल की। बोले भैया भगवान बांके बिहारी की बलिहारी हो, प्रभु
मैं अभिमान करता था सबसे बढ़िया मैं नाचता हूँ, इसलिए शंकर जी का नाम नटराज और बांके बिहारी का नाम नटवर। नटवर मतलब क्या? नट मतलब होता है शंकर, बर मतलब होता है पति, जो शंकर जी का मैं पति। बोले शंकर जी का पति कैसे हो गए? अभी हम सुनेंगे। जब कृष्ण रास रचाएंगे शंकर जी गोपी स्वर बन कर गए। शंकर जी गोपी स्वर बनते हैं ना, अभी गोपियों का पति कौन है? गोपियों का पति कौन है? कृष्ण है ना, बांके बिहारी है। इसलिए कहते कृष्ण कौन है? बोले श्री नटवर है, श्री बांके बिहारी। इसलिए कृष्ण जी एक लीला की काली के सर को पर जब नृत्य की, ये गोपियां जब देख रही थी बोले बाबा रे, हमने बड़े बड़े कलाकार देखे लेकिन सांप के सर के ऊपर नाचते हुए किसको नहीं देखे। इसलिए गोपियां जितने थी ना, मन प्राण चित्त सब कृष्ण के चरण में दे दिया। एक बहादुरी दिखाई, बोले दूसरी बहादुरी क्या दिखाई? बोले गिरिराज गोवर्धन को उठाई। अब लोग गिरिराज गए हो, कौन कौन गए? सबके सब देखना। गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए 6-7-8 घंटा में कहीं परिक्रमा करते, लेकिन इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन को कृष्ण ने उठाया। बोले कौन सा हाथ में उठाए? कौन सा? बाम हाथ में। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे मेरे लिए ये कौन सा बड़ी भारी बात है, इसको तो मैं अपना बाम हाथ से कर सकता हूँ। बोले बाम हाथ की बात छोड़ दो, भगवान अपना कनिष्ठ अंगुल में उठा दिया, सबसे छोटे अंगुल पर। बोले छोटे अंगुल में नहीं, बोले नख के ऊपर गिरिराज उठाए। कितना दिन तक उठाए थे? 7 दिन। कृष्ण का उम्र कितना था? 7 साल। और उन्होंने गिरिराज कितना बड़ी थी? 7 क्रोश। बोले इतने बड़े गिरिराज को कृष्ण ने 7 दिन तक, 7 साल का बालक और 7 क्रोश गिरिराज को भगवान उठा लिया। इसलिए गोपियां राधा रानी देख कर बोले बाबा रे, ये बड़े बहादुरी है, ये तो बड़ा बहादुर। इसलिए जितने गोपियां और राधा रानी थी ना, सबके सब कृष्ण चरण में तन मन सब कुछ कृष्ण के चरण में दे दिया। इसलिए भगवान की सर्वश्रेष्ठ जो लीला रास लीला है, इसलिए गिरिराज गोवर्धन किया कि भगवान की रास लीला की उन्होंने ये पाठ प्लेटफॉर्म उन्होंने बना दिया। इसलिए इनका नाम है गोवर्धन। बोले गोवर्धन का मतलब क्या है? बोले गो मतलब इंद्रियां, वर्धन मतलब बढ़ाना, जो कृष्ण इंद्रियों को बढ़ाते हैं, मतलब जो कृष्ण इंद्रियों को जो सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम है गोवर्धन। गो मतलब गोपी, गो मतलब गैया, गो मतलब बेर, गो मतलब पृथ्वी, गो मतलब गोप गोपी, वर्धन मतलब ये सबको जो बढ़ाने वाले, ये सबको जो सेवा करने वाले, ये कौन है? बोले श्री गिरिराज गोवर्धन। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की। अभी इंद्र ने देखा भैया ये ब्रजवासी हर साल बड़ी सेवा करते थे, और साल में एक बार होता था, क्योंकि 365 गांव से सबके सब खाना लेकर के आते थे। साल में इंद्र इंतजार करता था कब श्री ये दीन आएगा जो पेट भर करके बढ़िया से खाऊंगा। इंद्र एक साल से इंतजार कर रहा है, लेकिन देखा इस साल तो कोई मेरी पूजा नहीं कर रहे। बोले क्या हो रहा है? एक दूत को भेजा, भैया तू देख कर क्या ये कर रहे हैं क्या? एक दूत आकर के देखा, वो इंद्र के लिए जितने 56 भोग 36 व्यंजन वो कृष्ण ये सबको लेकर के श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करा रहे। उसने जाकर के इंद्र को शिकायत करके बोले महाराज, वो जो कृष्ण है ना छोटा सा बालक, ये तुम्हारी पूजा ही बंद करवा दिया, और तेरे तुम्हारा लिए जितने मालपुआ पकवान लड्डी चमचम रसमलाई जो बना हुआ था हैं, ये सब के सब लेकर के श्री गिरिराज की पूजा कर रहे हैं। इंद्र को इतना क्रोध आया, बोले मैं एक साल से इंतजार कर रहा था बढ़िया भैया, और उन्होंने के पहाड़ की पूजा करा रहे, उसने तो कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया। बोले ये ब्रज को मैं सत्यानाश कर दूंगा, ये क्या समझते हैं? उन्होंने संवर्तक में और 49 पवन का आदेश दिया, ऐसे बारी बरसाओ, ऐसे प्रलय ले आओ, ओले गिराओ,
हाथी के सूंड के जैसे बारिश करो, जैसे ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए। मानो ब्रज में एकदम प्रलय आ गया, चरण में जरूर चरण में स्थान देंगे। चलो सबके सब सामान को लेकर के श्री गिरिराज की तलहटी में चलो। जैसे एक छोटा बच्चा एक छतरी को उठा दे, ऐसे ही कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सारे सामान को लाओ और इस पर नीचे सबके सब आ जाओ। इतने में जितने गोप लोग थे, कृष्ण तो 7 साल के ना, 7 साल 2 महीना के, जब उन्होंने आए, अभी जितने गोप लोग कृष्ण को क्या समझते हैं, ये हमारे लाला है, ये हमारे सखा है, सखा लोग सखा समझते हैं और ब्रजवासी अपना लाला समझते हैं। बोले इतने बड़े गिरिराज को क्या उठा पाएगा, जितने डंडा था ना वो डंडा लेकर टिका गिरिराज। इतने बोले कृष्ण तू कब तक गिरिराज उठाओगे, थोड़ी सी हाथ नीचे कर लो, थोड़ा विश्राम कर ले। बोले देखो सखाओ तुमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगी। बोले क्या तू क्या अकेला मैया का दूध पिया, हमने कोई दूध नहीं पिए, हम भी मैया के दूध पिए हैं, इसलिए तो हाथ को नीचे कर दे और हम ये गिरिराज उठा लेंगे। इतने में कृष्ण हाथ को जब धीरे 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 नीचे किया ना, इतने में गिरिराज को धीरे धीरे नीचे उतर लेते और जो डंडा लगा कर रखे थे डंडा से टूटना जरूरी। बोले कन्हैया हमसे गिरिराज नहीं टिकेगा, तू ही गिरिराज उठा ले, है तू ही। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले बंसी करार निपति तस्खलितम श्रीखंडम भ्रष्ट च पीतव सनम ब्रजराज सुन। मतलब क्या, बोले जब राधा रानी कृष्ण को एक तेरछी चित्तवन से देखती हैं, बोले तेरछी चित्तवन नहीं वो तीर है, मानो कृष्ण की छाती से इधर से उधर पार हो जाती है। राधा रानी के तेरछी चित्तवन की इतने इतने प्रभाव, और राधा रानी की जब रूप को कृष्ण दर्शन करते ना, कृष्ण हिल जाते हैं, कभी कभी उनका हाथ से बंसरी गिर जाती है, कभी कभी मयूर मुकुट गिर जाते हैं। इतने में जो राधा रानी इतने सुंदरी राधा रानी, अपूर्व सुंदरी श्री राधा रानी, जब राधा रानी की सुंदरता को, राधा रानी की तिरछी चित्तवन को कृष्ण देखे ना, कृष्ण हिलने लगे। जब कृष्ण हिलने लगे, इतने में जो गिरिराज गोवर्धन, इतने बड़े गिरिराज को धारण किए, गिरिराज भी डगमगाने लगे। सखा ने कहा कन्हैया तो क्या कर रहे हो, इधर तू देख रहे हो, ठीक से खड़े रहो, ये गिरिराज अगर गिर जाएगा ना सारे ब्रजवासी खत्म हो जाएंगे, ठीक से खड़े रहो, इधर उधर मत देखा करो, हैं। इसलिए अभी ब्रजवासी तो वहां आनंद ले रहे थे। इंद्र ने 7 दिन तक उसने अपना जी जान लगा दिया। 7 दिन को बाद में एक दूत को भेजे, बोले देख करके आओ ये ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं। एक दूत आया, वो केवल ऊपर ऊपर से देख करके चला गया। बोले महाराज ब्रज में एक चिट्टी तक भी नहीं देखा, सब खत्म। उसने और एक दूत को भेजा, भैया तू देख करके आ, वो तो ऊपर ऊपर से गया था देख करके, ये नीचे आया तो देखा एक चिट्टी तक भी मरे नहीं ब्रज में, वहां तो धूल उड़ रहा था। इंद्र सोच रहा था शायद ब्रज में कोई विपत्ति आ जाएगी, वो विपत्ति नहीं हुआ संपत्ति, सबके सब कृष्ण का मुखमंडल को दर्शन करते हुए आनंद में नाच रहे हैं गा रहे हैं, वहां पर तो होली मच रहा था। बोले आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी I'm gonna make you mine.
जिसको तू बालक समझ रहा था ना, वो बालक नहीं, वो तो गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठ अंगुल के ऊपर उठा करके रखा और जितने ब्रजवासी उसको नीचे सबके सब कीर्तन गा रहे नाच रहे थे, वो तो उत्सव हो रहा था, एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं। इंद्र सोचा भैया ये बच्चा है कौन, तो उसने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा, भाई ये तो मेरे प्रभु है, ये तो इंद्रतम, ये तो मेरे प्रभु कृपा करके इन्होंने कृपा करके बलि से उसने इंद्रपद बलि ने छीन लिया था इनसे इंद्र से। तब भगवान वामन अवतार में उन्होंने पुनः राज्य को लेकर के इंद्र को ठाकुर ने दिया था, भगवान ने दिया था, बोले ये तो मेरे प्रभु जिसने कृपा करके इंद्रपद दिया है, पर लगता है मेरे इंद्रपद ही गया, इंद्रपद मेरे को मिलेगा नहीं, ठाकुर इंद्रपद से निकाल देंगे। उसने अमरावती जहाँ पर सची को साथ में विश्राम करते हैं, अपना पत्नी को साथ में उन्होंने विश्राम करने के लिए गया, इतनी घबराहट हो रहा था, इतनी घबराहट उसको नींद नहीं आई। फिर अपना गुरुजी बृहस्पति को पास में गया, बोले गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे से अनहोनी हो गई, बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बोले फिर बोले चलो ब्रह्मा जी को पास में, ये ब्रह्मा जी कुछ कर सकते हैं। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले तुमने सत्यानाश कर दिया, ये जो कृष्ण है ना वो सारे जितने देवता का घमंड उसने तोड़े, मैं भी कुछ दिन पहले इतनी बुरी तरह से फंस गया था, बुरी तरह से फंस गया था, बड़ी कष्ट से मेरे को मुक्ति मिली, बोले आप भी फंस गए थे, बोले हाँ, बोले कैसे, बोले जिस समय कृष्ण गैया चराने के लिए गए थे इतने में कंस एक दैत्य को भेज दिया जिसका नाम था अघासुर, वो बहुत बड़ा अजगर सर्प बन करके मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था, बोले पूरे के पूरे निकल जाऊंगा। इतने में कृष्ण के छोटे छोटे सखा आगे जा रहे थे, इतना बड़ा मुंह देख करके बोले हे लगता है कोई बहुत बड़ा सांप हमें खाने के लिए मुंह बड़ा करके बैठा, भागने लगे। लेकिन जो बड़े बड़े सखा लोग थे बोले पागल हो गए, कभी इतना बड़ा सांप होता है, लगता है ये कोई गुफा होगा, विश्वकर्मा ने कोई विचित्र गुफा बनाई, बोले अगर सर्प होगा तो बोले कृष्ण जैसे बकासुर को मारे अघासुर को भी मार देगा, चिंता क्यों है, कन्या साथ में ना, चलो अंदर। अभी सखा लोग उसको मुंह का अंदर में जा रहे थे, आप आपको देखा देखे होंगे सर्प का दो जीवा होता है, दो जीवा और जीहा कितना गुदगुदी होती है, वो श्वास बंद करके बैठा हुआ था। जब अंदर में गए किसने कहा भैया लगता है कोई सुंदर कारपेट बिछा कर रखा है, क्योंकि जीवा गुदगुद होती है ना। एक सखा ने कहा देखो इसमें दो रोड क्यों बना हुआ, एक सखा ने कहा तेरे को पता नहीं, एक तो जाने का और एक अंदर से आने का, और बहुत बहुत बड़ा दांत था,
बोले भैया इतने बड़े बड़े खंभे कौन गाड़ कर रखे? बोले खंभे थोड़ी, लगता है अंदर में संत लोग भजन कर रहे हैं। वो अपना बिस्तरा को लटकाने के लिए कोई खंभे गाड़ कर रखे। वो सर्प तो एकदम श्वास बंद करके बैठा हुआ था, जब उसने श्वास छोड़ा, श्वास गर्मी गर्मी होता है। बोले भैया अंदर से गर्मी गर्मी हवा आ रही क्यों? बोले लगता है साधु लोग आसन प्राणायाम करते हैं ना, तो श्वास बंद करके रखा था, श्वास छोड़े इसलिए गर्मी लग रहा था। इतने में सर्प तो खाता है जानवर को, बदबू आ रहा था। बोले भैया तुम्हें बदबू क्यों आ रहा है? बोले अरे संत लोग भजन करते हैं कि शरीर को भी उद्बुद नहीं रहता है, लगता है कोई जानवर भानवर मर गया। सखा लोग तो आनंद में अंदर में जाते जा रहे। वो देख रहा था कृष्ण अगर आ गए ना, फिर मुंह को बंद कर दूंगा। वो कृष्ण सबसे पीछे थे, कृष्ण देखा दूर से, वो तो समझ गए ये अघास मुंह फाड़ करके बैठा हुआ। कृष्ण जोर जोर से चिल्लाया, सखाओ अंदर में मत जाया करो, ये अघास है। लेकिन ऑलरेडी सखा लोग चले गए अंदर में। अभी कृष्ण सोच रहे हैं मेरे को एक साथ में दो काम करना पड़ेगा, पहला काम तो इसको मारना, दूसरा काम सखाओं को बचाना, ये दो काम करना पड़ेगा। इतने में कृष्ण जब अंदर में गए, वो सोच रहा था मुंह को बंद कर दूंगा, लेकिन इतने में कृष्ण अपना विश्व रूप को उन्होंने प्रकाश कर दिया। इतने बड़े कृष्ण बने, मुंह में खाली रहेगा तो बंद करेगा ना कृष्ण, तो उसको मुंह में पूरा ही मुंह में भर गए, उसने श्वास लेना भी बंद हो गया। आप देखना जब श्वास बंद हो जाए ना बाहर, उसी समय प्राण निकल जाती है। उसको श्वास ही बंद हो गया, उसको ब्रह्मतल फट गई और वहां से भी ज्योति निकली। और कृष्ण ने अपना अमृतमय दृष्टि से सखाओं को प्राण दान दिया। इतने में आकाश में देवता लोग हाहाकार कर रहे थे, हे भगवान अभी क्या होगा, कृष्ण भी अंदर में गए अभी क्या होगा। लेकिन जब कृष्ण उसको बद कर डाले, इतने में देवताओं ने प्रसन्न होकर के उन्होंने कृष्ण की जयकार दी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई जयकार नहीं दे, जोर से बोलो, देवता भी जयकार दे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब उन्होंने जयकार दिया, अभी यह जय ध्वनि धीरे धीरे ये स्वर्ग लोगों से मोह जन तप और सत्य लोग तक पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा भैया ये सब देवता लोग जय जयकार क्यों कर रहे। इतने में ब्रह्मा जी जयकार सुनकर के नीचे उतरे और उन्होंने देखा कृष्ण का उम्र 5 साल था, इस समय 5 साल था। 5 साल उम्र में इतने बड़े राक्षस को मारे। और ब्रह्मा जी ने क्या देखा, उसका ब्रह्म तालु फट करके एक ज्योति निकला, वो आकाश में मंडरा रहा था। कृष्ण जब मुंह से निकले वो ज्योति आया और कृष्ण को शरीर में प्रवेश कर गया। बोले ये ज्योति कौन है? बोले ब्रह्म ज्योति। कहते ये ज्योति, कहते जिसको ज्ञानी लोग जिसको ज्योति कहते ना, भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योति कहते, वो ज्योति है कौन? जिसको उपनिषद कहता है जत अद्वैत ब्रह्म उपनिषदि तत्पश्य तन्मुहा। कहते भगवान इतने प्रकाश, भगवान इतने प्रकाश है, जिनकी प्रकाश से जो प्रकाश है वही श्री ब्रह्म ज्योति है। जैसे हम सूर्य हमें कैसे दिखता है, एक अग्नि पिंडला जैसे, एक लाइट दिखता है। लेकिन सूर्य की आई है नहीं, सूर्य का रथ है, इनकी घोड़ा है, इनकी पत्नी है, ये स्वयं है। लेकिन ऊपर से हमें क्या दिखता है, एक लाइट दिखती है और कुछ नहीं। लेकिन अंदर में जाकर के देखोगे ना, उनका राज्य है, उनका घोड़ा है। अब देखे होंगे सूर्य की घोड़े लगे हुए। उसी तरह जो कृष्ण जो ज्योति, जो ज्ञानी लोग जो उनको ज्योति कहते हैं, कहते हैं भगवान की अंग की प्रभा, प्रकाश ही ज्योति। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा ज्योति आया और कृष्ण का शरीर में समा गया। अभी तो ब्रह्मा जी को और भी आश्चर्य लगा, भैया ये 5 साल बालक है कौन? तो ब्रह्मा जी सोचे और थोड़ी सी आगे दिला देखे। इतने में कृष्ण आए सखाओं के साथ में, जमुना किनारा में बैठे कृष्ण बीच में और सखा लोग घेर घेर करके, हजार हजार सखाओं। लेकिन एक आश्चर्य बात था, कृष्ण तो अकेले, लेकिन हर सखा देख रहे थे कृष्ण मेरे सामने, कृष्ण मेरे सामने बैठे हुए। और अपना घर से अपना भोजन लाए थे, कोई छाछ, किसी ने पकौड़ा,
किसने मालपुआ, किसने दही चावल, किसने दूध चावल, जैसे अपना घर से भोजन लाए थे और भोजन को निकाल करके कृष्ण को खिला रहे हैं और खुद सबके सब खा रहे हैं। और कोई सखा तो पहले खा करके मालपुआ बोले, कन्हैया मेरी मैया ने बड़ी सुंदर मालपुआ भेजी है, बड़ा मीठा है। कृष्ण कहते तू अकेले खाओगे, मेरे को नहीं दोगे। कृष्ण छीन करके खा रहे थे, कृष्ण सबको झूठन खा रहे थे। ब्रह्मा जी फिर चक्कर में पड़ गए, भैया ये कैसे भगवान जिनको झूठन फूटन को भी पता नहीं, ये सब तो झूठन खा रहे। क्योंकि जो नारायण का, ब्रह्मा जी नारायण का भक्त है, सबके सब ठाकुर का प्रसाद खाते हैं, लेकिन ठाकुर तो यहाँ पर सबका प्रसाद ठाकुर की खा रहे, सबको झूठन। अभी ब्रह्मा जी मोहित होकर के सोचा, एक काम करता हूँ, ये क्या सच मुझसे भगवान है, ना कोई साधारण बालक। उसने परीक्षा करने के लिए कृष्ण की बछड़े को उन्हें चोरी करके गुफा में बंद कर दिया। सखा ने देखा भैया बछड़े तो यहीं पर थे, गए कहां। सखा लोग खड़े होकर जब गए बोले, चिंता मत कर तुम बैठो मैं देखता हूँ। जब कृष्ण बछड़े को ढूंढने के लिए गए, ब्रह्मा सखाओं को भी चोरी करके और गुफा में बंद कर दिया। इतने में कृष्ण की जो योग माया इच्छा शक्ति ने बोले, प्रभु ये ब्रह्मा जी आपको लीला को समझ नहीं आया, इसलिए आपको परीक्षा करने के लिए उन्होंने सब काम किया। इतने में कृष्ण अपना शरीर से जैसे सखा, जैसे बछड़े, जैसे बोली, जैसे रंग, जैसे चलना, सभी का नेचर देखना अलग अलग, सबका नेचर अलग, सबका रंग अलग अलग, कृष्ण एकदम ठीक वैसे ही सबको उन्होंने प्रकाशित किए और खुद खुद वो साथ में लीला कर रहे थे। देखो इधर क्या हुआ, ब्रह्मा जी छुपा करके जब उसने ब्रह्मलोक में गए, वो ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और वहां जो चौकीदार था ना, बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, अगर मेरे जैसे कोई आएगा तो अंदर में घुसने मत दिया करना। और कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बनकर के आसन पर बैठ गए। जब वहां पर स्वयं ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे, उनकी जो चौकीदार है ना, वो डंडे लेकर के ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े, बोले तू कहां से आ गया, हमारे प्रभु तो सही बता रहे थे, मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, प्रभु तो हमारी अंदर में, तू कहां से आ गया। ब्रह्मा देखा भैया मेरे नौकर मेरे को मारने दौड़ गए, फिर यहाँ पर बैठ गया कौन। फिर ब्रह्मा जी ध्यान लगाए, देखा कृष्ण स्वयं ही ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठ गए। ब्रह्मा गए और उतरे, उधर का समय और इधर का समय में बहुत फर्क है। जैसे हमारे पृथ्वी में जैसे 1 साल 365 दिन में 1 साल होता है हमारे मरते जगत में, लेकिन हमारे जो 365 साल में जो 1 साल होता है, यहाँ पर 1 साल देवता लोक में 1 दिन होता है, देवलोक में 1 दिन होता है। और वहाँ पर जो 1 दिन है, फिर उसको ऊपर लोक में जब स्वर्ग का जो 1 साल, उसको ऊपर लोक में 1 दिन, ऐसे करते करते ब्रह्म लोक तक जाओ, ये बढ़ते बढ़ते जाती है। ब्रह्मा गए और आए, आए और गए, आते आते ये इसी मर्त्य जगत में हो गया 1 साल। 1 साल के बाद में आकर के देखा कृष्ण जैसे सखाओं को साथ में खेल रहे थे, जैसे खा रहे थे, जैसे कृष्ण ऐसे लीला कर रहे हैं, ब्रह्मा फिर चक्कर में पड़ गए, बोले इनको तो मैंने गुफा में बंद करके रखा, अभी भी वो गुफा है। एक स्थान ब्रजमंडल में, देखो एक स्थान ब्रजमंडल में, उसका नाम सही है, हम लोग ब्रजमंडल में वो परिक्रमा करते हैं, उसका नाम सही है, अभी भी वो गुफा है जिसमें ब्रह्मा ने वो बछड़े और सखा को जिसने छुपाया था। कोई आप लोग देखे हो गुफा को, कौन कौन देखे हो, हाथ उठाओ तो, आप लोग कोई नहीं देखे ना, कोई नहीं देखे हो। अगर देखो ये जो ब्रज मंडल है ना, ये 84 करोड़ है, इसकी परिक्रमा करने का बड़ा महत्व है। बोले इसका परिक्रमा करने से क्या होता है, बोले हम ठाकुर जी को भूल करके ये 84 लाख जन्म में हम भटक गए, ठाकुर जी को भूल करके हम भटक रहे हैं। अगर कोई ये 84 ब्रज मंडल परिक्रमा करता है, उसको ये 84 लाख जो जन्म है, ये इसकी समाप्त होता है, ये समाप्त हो जाता है, इसलिए ब्रजमंडल परिक्रमा करने का बड़ा महत्व है। ये कार्तिक महीना, उसको पहले महीना में आप सोच नहीं सकते, इतने लोग परिक्रमा करते हैं, हजार हजार लोग परिक्रमा करते हैं। अगर 84 क्रोश में जहाँ जहाँ पर कृष्ण ने कहाँ गैया चराए, कहाँ बंसरी बजाए,
कहाँ रास रचाए, कहाँ पर किया क्या लीला की। देखो एक लीला सुना था, एक अद्भुत लीला है। एक दिन कृष्ण ने बंसरी बजाई, इतने में सखियां राधा जी को श्रृंगार कर रही थी, उनके सारे श्रृंगार हो चुके हैं। इतने में राधा जी के काजल लगाने जा रहे थे, कृष्ण ने बंसरी बजाई। जब बंसरी बजाई, इतने में राधा रानी भागते भागते आ गए। कृष्ण ने देखा राधा जी के सारे श्रृंगार है, लेकिन केवल काजल लगाना बाकी है। इतने में कृष्ण राधा रानी को एक एक पत्थर के ऊपर बैठा करके अपना हाथों से राधा जी की काजल लगाई, और काजल लगा करके हाथ को एक पत्थर के ऊपर उन्होंने घीस दिया। जब घीस दिया, अभी भी वो पत्थर से, अगर पत्थर को घिसो ना, वो पत्थर से काजल अपने आप निकल गई। इसलिए वो स्थान का नाम है आजनौ। आजनौ का मतलब आंजन का काजल। उसको पास में एक गांव है, उसका नाम है बिजवारी। बिजवारी मतलब क्या है? जब कृष्ण ब्रज छोड़कर के मथुरा जा रहे थे, सारे गोपियां रथ को नीचे लेट गए, बोले कन्हैया जा रहे थे, उनको मार करके तू जा, हमें मारे बगैर जा ही नहीं सकते हो। कृष्ण बहुत समझाया, बोले चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूँ, कल कंस को वध करके परसों आ जाऊंगा। इसलिए अभी भी वो गांव का नाम सी परसु। अभी गोपियों को तो किसी तरह से समझाए, लेकिन जब थोड़ी दूर गए, राधा रानी लेट गई। अभी राधा रानी इतने शरीर से तेज निकल रहा था, राधा रानी के शरीर की तेज से चतुर्दिग उजला उजला हो रहा था। इसलिए वो स्थान का नाम है बिजवारी। बिजवारी मतलब राधा रानी बिजली जैसे राधा रानी चमक रही थी, इसलिए वो स्थान का नाम है बिजवारी। वो नाम जगह का नाम है। इसलिए सब हमारे मंदिर से तो साल में पूरा एक महीने कार्तिक महीना में पूरा ब्रज मंडल में करिश्मा लगता है, लेकिन कुछ कुछ भक्त लोग हैं कहते हम तो एक महीना नहीं दे सकते, हमारा मंदिर में तो बस गाड़ी में जाते तभी एक महीना लगाते हैं। और कुछ कुछ संप्रदाय का लोग परिक्रमा करते हैं पैदल में, पूरा डेढ़ महीना में पूरी करते हैं। डेढ़ महीना में दिन में कम से कम 10-10, 15-15 किलोमीटर चलो, किसी तरह से डेढ़ महीना में पूरी होता है ये 84 कोस। लेकिन कुछ कुछ भक्त लोग कहते हैं हमारे पास में इतना समय नहीं, डेढ़ महीना हम लगा सकते, एक महीना। इसलिए कभी कभी हम लोग परिक्रमा करते हैं 7 दिन में चल करके नहीं, अगर गाड़ी में जाएंगे 7 दिन में, फिर ये संपूर्ण 84 ब्रज मंडल परिक्रमा ये 7 दिन में पूरी हो जाती है, 7 दिन में पूरी हो जाती है। अगर किसी की इच्छा हो हम इस 7 दिन में पूरा 84 ब्रज मंडल हम परिक्रमा करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा हो ना, फिर हम लोग ठीक कार्तिक महीना से कुछ दिन पहले इस बार हमारे मंदिर से सोच रहे हैं 7 दिन के अंदर में पूरा परिक्रमा को पूरी करने के लिए। अगर आपकी इच्छा हो आप लोग हमारे साथ में कंटैक्ट कर सकते हो, जैसे कथा जब विश्राम हो जाएगी ना, विश्राम के बाद में अगर आपकी इच्छा हो अब आकर के अगर अपना मोबाइल नंबर अगर अपना नाम दोगे, फिर हम आपसे हम कंटैक्ट रखेंगे, फिर हम लोग आपको बताएंगे कब से कितना दिन को अंदर में हम ये परिक्रमा को पूरी करना चाहते हैं। हम ऐसे समय पर करेंगे जिस समय बच्चों का कोई पेपर नहीं होगा, कोई उस समय छुट्टी रहेगी, उसी समय में हम कोशिश करेंगे परिक्रमा करने के लिए। जिनकी इच्छा होगी आप लोग कथा के बाद में लिखने देंगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके बैठ गए, और उनका जो दरबार लोग थे ना, वो दरबार लोगों ने ब्रह्मा जी को जो भगाए, जब उन्होंने ध्यान लगाए ये कौन है, बोले मेरे प्रभु स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी गद्दी पर स्वयं प्रभु बैठ गए। फिर ब्रह्मा जी जब आए, देखा 1 साल पहले कृष्ण जैसे लीला कर रहे थे, कृष्ण अभी भी वैसे लीला कर रहे। फिर ब्रह्मा जी चकरा गए, बोले ये क्या है, ये क्या हो रहा है, मैं तो सबके सब मैंने छुपा करके रखा। फिर जब ब्रह्मा जाते हैं, देखते वो जैसे वैसे सोए हुए हैं। फिर ब्रह्मा जी का 4 सर है, इधर 2 और इधर 2। तब 1 सांस में दोनों तरफ में जब देखे, भगवान ने अपना विभूति दिखाया, देखो मैं कौन हूं।
जितने सब बछड़े सखा थे ना, देखा सबके सब चतुर्भुजधारी, सबके सब नारायण है। ब्रह्मा फिर चक्कर में पड़े गए, बोले भैया हमें तो पता नारायण एक है जिनकी नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, लेकिन यहाँ पर तो नारायण 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 है, जहां देखो अनंत करो नारायण, आप ब्रह्म स्तंभ उन्होंने नारायण नारायण देखा। ब्रह्मा समझ गए ये मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिता है, इसलिए उन्होंने फिर 40 श्लोक में उन्होंने भगवान को स्तुति किया है। कहते ब्रह्म स्तुति में हाँ, ये ब्रह्म इसको कहते ब्रह्म स्तुति कहते हैं। कहते अलग 40 श्लोक और भी अलग 40 श्लोक है, उसमें जो पहला जो श्लोक है बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विक्रम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। देखो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ये चीज को समझो, बोले ये कृष्ण कौन है, बोले ये ईश्वर है। बोले ईश्वर का मतलब क्या है, बोले ईश्वर का मतलब होता है जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकता है, जो अघटन घटन पटे से जो लीला कर सकते हैं, जो असंभव को जो संभव कर सकते हैं, दिन को रात और रात को जो दीन कर सकते हैं, ये कौन है, कहते ये श्री भगवान है। इसलिए महाभारत युद्ध में देखे होंगे जब अर्जुन प्रतिज्ञा करता है जय द्रथ को वध करने के लिए, उन्होंने दीन को उन्हें रात बनाया और रात को उन्हें दीन बना सकते हैं और मरते हुए व्यक्ति को जो जिंदा कर सकते हैं, इसलिए कृष्ण ने 3 बार मरते हुए व्यक्ति को जिंदा किया। इसलिए हम कहते ना भैया ये भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान, नहीं नहीं बोले भैया कोई भगवान नहीं, भगवान था हमारे कृष्ण है, भगवान था हमारे राम है, और कोई भगवान नहीं है, हैं? इसलिए भगवान का जो डेफिनेशन शास्त्र में दिया है कि जिसको अंदर में 6 गुण परिपूर्ण रूप में हो वही केवल भगवान है, 1-2 गुण नहीं 6 गुण उनका अंदर में परिपूर्ण रूप में होनी चाहिए। बोले वो 6 गुण क्या है, बोले समग्र सस्य ऐश्वर्य वीर्यस्य जसस्त्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणं भव इति गुण। ये 6 गुण होनी चाहिए। पहला नंबर बोले समग्र सस्य ऐश्वर्य, बोले पृथ्वी का जितने सारे ऐश्वर्य का जो मालिक हो, थोड़ी सी ऐश्वर्य नहीं, इसलिए माँ लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती है, इसलिए कृष्ण की इच्छा हुई सुदामा को कुछ देने के लिए, इच्छा करते ही सोने की महल बन गई। कृष्ण की इच्छा हुई मथुरा छोड़ करके द्वारका जाऊंगा, सबके सब मथुरा में सोए हुए थे, सवेरे उठ करके देखा समुद्र के बीच में सोने के महल बन गए और सबके सब मथुरा वासी पहुंच गए द्वारका में, इसलिए उसका नाम पड़ा द्वारका। द्वारका मतलब क्या है, बोले द्वार कहाँ है, जब वहां पर मथुरा वासी जगे ना सोए रहे थे मथुरा में, जगे तो देखा समुद्र को बीच में, बोले भैया द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया द्वारका नाम पड़ गया। इसलिए सारे ऐश्वर्य का जो मालिक है, बोले सर्व वीर्य, वीर्य मतलब होता है पराक्रम। अब लोग तो सुन रहे हो पराक्रम, 5 दिन में 6 दिन में पुतना मारे, 1 महीना में शकटासुर, 3 महीना में तृणावर्त, 4 साल में बकासुर, 5 साल में अघासुर, 6 साल में कालिय को सर कूदे नृत्य किए, 7 साल में गिरिराज होता है। इसलिए जिनसे पराक्रम और ज्यादा किसके नहीं, श्री श्री मतलब होता है सुंदरता, जिनसे बड़ा सुंदर जगत में कोई है ही नहीं। इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण को ताना मारती हैं, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती तर रंग, अच्छा हो गया भगवान ने तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, अगर तू लाली होती ना इतने सुंदर, तू इतने सुंदर, बोले सुंदरम की असुंदरम, बोले कंदर को कोटि कमनीय विशेष शोभा, कोटि काम देव जी के चरण में नौछावर हो जाते हैं, इतने सुंदर कृष्ण। और एक चीज को समझो, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, ये चीज को समझो, और भगवान कभी मरते नहीं, भगवान का कभी दाढ़ी नहीं होता, और भगवान की कभी गोप भी नहीं होता, कभी मोच नहीं होता। इसलिए कृष्ण जैसे 125 साल तक रहे, कई कृष्ण का रूप देखते थे को भगवान कृष्ण जैसे वहां पर खड़े ठाकुर जी खड़े, देखना इनका जो रूप है, कभी कृष्ण 14.5 साल से ज्यादा उम्र होती नहीं,
अब भगवान राम को देखो, जैसे भगवान राम खड़े, कभी उनकी कभी दाढ़ी देखे हो, कभी उनको मोच देखे हो। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। भगवान 11,000 साल तक राजत्व किए, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। अब भगवान कभी मरते भी नहीं, ये चीज को समझो। आप लोगों ने रामायण देखे हो? कौन कौन रामायण देखी टीवी में? देखे हो ना, देखे हो। भगवान जब जाते हैं कैसे जाते हैं? पूरा अयोध्या वासियों को सरज नदी में स्नान करते हैं, करते ही सबके से चतुर्भुज रूप धारण किए, वैकुंठ से विमान आता है और विमान में बैठ करके संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर ठाकुर गए। केवल एक हनुमान को छोड़ कर गए, जगत में उनकी भक्ति प्रचार कर गए। कृष्ण जब गए, संपूर्ण ब्रजवासी गोप गोपी कहते वहां के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े तक को भी लेकर प्रभु गए। इसलिए जिस समय श्री बज्रनाथ ब्रज के राजा बने, बोले देखा कुछ नहीं ब्रज में, कीड़े मकोड़े तक पशु पक्षी तक भी नहीं। क्योंकि ठाकुर जी जब आते हैं वो धाम समेत आते हैं और अपना धाम लेकर के ठाकुर जी जाते हैं। इसलिए भगवान राम का राज्य कौन? अयोध्या। कृष्ण का राज्य कौन? वृंदावन। अभी भी उनकी सारी लीला स्थली है। इसलिए भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, मरते नहीं, ये चीज को समझो। इसलिए समग्र से ऐश्वर्य जस श्रिय ज्ञान वैराग्य, जो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य जिनको अंदर में हो, विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक हो, कहते ये श्री भगवान है। इसलिए कहते ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह। बोले भगवान के स्वरूप कैसे है? बोले सत चित और आनंद, जो सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, भगवान का स्वरूप। लेकिन हमारा शरीर कैसे है? बोले खेती जल पा ना समीरा, खेती जल पा ना समीरा, खेती जल पा ना समीरा, खेती जल शरीर में 10 परिणाम है। बोले जायते, जन्म लेता है, वर्धते, बड़े होता है, अपक्षयते, क्षय होता है, हैं? और लास्ट में जाकर शरीर खत्म, क्योंकि ये जड़ शरीर है। लेकिन भगवान के शरीर ऐसे नहीं। इसलिए बोले सचिदानंद रूपाय भगवान है। और कृष्ण कौन है? अनादिर आदि गोविंद। देखो यही चीज को थोड़ा समझो, अगर इतनी सी चीज समझ गए ना, समझो बहुत बड़ी भी चीज समझ गए। ध्यान देकर ये ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, मन लगा कर ये अनादिर आदि गोविंद, ये अनादि के जो आदि, उसके जो आदि कृष्ण। कैसे? बोले कृष्ण जिस समय ये दुनिया सृष्टि हुआ, जिसको वेद कहता है एक अपि बहुश्याम, वो एक ही थे। लेकिन जब देखा एक ही शरीर से लीला हो ही नहीं सकती, तो उन्होंने एक से उन्होंने बहु हुए। इसलिए ये बृहद नारद योग उपनिषद में आता है, जब ये दुनिया में कुछ नहीं था, भगवान केवल अकेले थे। अभी कल्प वृक्षों के नीचे भगवान कृष्ण खड़े हुए, अभी प्रभु चाहते हैं लीला कराना, लेकिन एक स्वरूप से लीला होगी नहीं। इतने में कृष्ण की जब इच्छा हुई रास लीला करने के लिए, इतने में कृष्ण का अंग से, पाम अंग से एक दिव्य सुंदरी, एक ईश्वरी प्रकट हुई। वो था रास मंडल, इसलिए वहां से प्रकट हुई, इसलिए उनका पहला अक्षर हो गया रा। लेकिन वो प्रकट होते ही अभी सुंदर सुंदर पुष्प चयन करते हुए कृष्ण को सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए धावित, धावित मतलब होता है दौड़ना,
वो दौड़ी, इसलिए उनका नाम हो गया राम और उद्धार। अभी वो एक से दो हो गई, लेकिन दो में भी काम नहीं, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट 11 प्लेयर तो होते हैं, इसलिए अभी उन्होंने एक से दो हुए। अभी देखते भैया दो में भी काम नहीं चलेगा। इतने में सिर्फ राधा रानी अपना शरीर से जो ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, चित्रा, सुचित्रा, उन्हें सब शक्तियों को प्रकट करते हैं। तब भगवान जाकर विरास करते हैं और राधा रानी से ये जगत में जितने शक्ति है, जैसे उमा, रमा, सत्या, सची, चंद्रा, रुक्मिणी, राधा, गीता, ये कहाँ से प्रकट होती है? बोले राधा रानी से ही ये प्रकट होती है। इसलिए राधा अवतार सबे आवनायगा, ये राधा रानी से अनंत शक्तियां राधा रानी से प्रकट होती है। अभी तो राधा रानी उनको बाम अंग से, बोले डाहना अंग से कौन प्रकट हुए? बोले पहले बलदेव प्रभु प्रकट हुए, श्री दाऊ भैया बलदेव। इसलिए कृष्ण काले और बलदेव प्रभु गोरे, इतना फर्क है। इसलिए बलदेव प्रभु से कौन प्रकट हुए? बोले शंकर सन। बोले ये शंकर सन से चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं। हैं, ये जो चतुर्व्यूह है इसकी चीज को समझो, जिसमें वासुदेव, शंकर सन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध प्रकट हुए, और इसमें जो शंकर सन है उससे तीन विष्णु प्रकट हुए। लेकिन आप लोग सुने होंगे भैया विष्णु तो एक है, ये तीन विष्णु कौन है? हाँ, ये चीज को समझो। कहते एक विष्णु जिनका नाम श्री कानंद गोसाई विष्णु, दूसरे विष्णु जिनका नाम गर्भ गोसाई विष्णु, और तीसरा विष्णु है जिसका नाम खीरो गोसाई विष्णु। बोले भैया ये क्या होता है? हाँ, ये चीज को समझो। कहते कारण गोसाई विष्णु मतलब है कृष्ण कौन हो गया? जैसे मोदी, अभी ये प्राइम मिनिस्टर मोदी है। अगर दिल्ली में कोई लड़ाई झगड़ा होगा, क्या मोदी स्वयं यहाँ पर आएगा? क्या मोदी लड़ने के लिए आएगा? मोदी नहीं आएगा। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री होगा वो सारे काम को देखेंगे, लेकिन मोदी तो प्राइम मिनिस्टर हो, अपना गद्दी पर पार्लियामेंट में बैठा हुआ होता है, केवल उसकी आदेश पर ही सारे काम हो रहा है। यहाँ पर कोई बड़े लड़ाई झगड़ा होगा तो यहाँ का मंत्री देखेगा, पुलिस जाकर लड़ाई झगड़ा मोदी नहीं करेगा। उसी तरह जो कृष्ण है वो तो सर्व कारण कारण होकर के वृंदावन में बास मीठी मीठी बंसरी बजाते हैं, सखा सखियों के साथ में प्रभु लीला में ही मस्त है, ठाकुर जी लीला में ही डूबे हुए हैं। लेकिन उनका जो अंश जो है ये सारे काम यही लोग करते हैं। कहते ये कारण दशाए विष्णु कौन है? कहते ये विष्णु जब माया को प्रति दृष्टि निक्षेप करते हैं, माया खुबी तो होकर के अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि होती है। एक एक ब्रह्मांड में जो दूसरा जो विष्णु गर्भ गोसाई विष्णु जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुई है, कहते हर ब्रह्मांड में ये गर्भ गोसाई विष्णु प्रवेश करते हैं और अपना पसीना से आधा ब्रह्मांड को भर लेते हैं, और जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुई। बोले तीसरा जो विष्णु इनका नाम खिराग दिशाई विष्णु। बोले ये क्या करते हैं? बोले हर जीव के अंदर में जो परमात्मा रूप में एक अंगुष्ठ परिमाण जो परमात्मा है, हर जीव के हृदय में ये क्षीरदशाई विष्णु सभी हृदय में यही अंतर ज्ञान रूप में बैठे हुए। लेकिन कृष्ण कहाँ पर रहे? देखो इसलिए ये ब्रह्मा खुद कह रहे हैं कृष्ण कौन है? बोले अनादि। अनादि कौन है? ये कारण दशाई विष्णु, उनको जो आदि कौन? श्री बलदेव। उनको आदि कौन है? बोले श्री कृष्ण कन्हैया, ये ब्रह्मा स्वयं कहते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे हैं। देखो एक उनकी एक श्लोक को सुन लेते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं ब्रह्मा जी। बले बले तत्व कंपासु सुमिक्षमाण भुंजामि एवात्म कृतम विपाकम। देखो ये श्लोक को सुन लो अच्छा से। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे हम भजन करते हैं, अगर भजन करते करते अब देखना अगर कोई थोड़ी मोड़ी कोई विपत्ति आ जाए ना, कभी कभी हम खिलखिला जाते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं हमने इतने भजन किया, इतने भक्ति की, और ठाकुर हमारे साथ में ऐसे क्यों किया? कभी कभी हमारे मन में कभी कभी भगवान के प्रति शंका आ जाती है, हम इतने भजन भक्ति किया फिर हमारे पर विपत्ति क्यों आई?
तो ये ब्रह्मा जी कहते भैया कभी किसी को ऊपर में दोष मत लगा, कभी दोष मत लगा, क्यों? हमने जैसे कर्म किया वो कर्म के अनुरूप जीव को फल भोगना पड़ता है। जैसे केले का बीज बोएंगे तो केले का वृक्ष निकलेगा, अगर आम की गुठली बोएंगे तो आम की वृक्ष निकलेगा, अगर चीकू का अगर बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष होगा? वो चीकू का ही वृक्ष होगा। इसलिए हमने जैसे जैसे कर्म किया जीव को कर्म का अनुरूप जीव फल भोग करते हैं। इसलिए अगर जीवन में भक्ति करते करते अगर कोई विपत्ति आए तो क्या सोचनी चाहिए? कहते ये सोचनी चाहिए शायद हमारे जीवन में कोई एक बहुत बड़ी कोई अनहोनी होने का था। ठाकुर जी हम भजन करने का नाते ठाकुर जी हमें थोड़ी सी दंड दे करके ठाकुर जी छोड़ दिए। एक छोटी सी स्टोरी सुना, बोले एक समय में दो भाई रह गए, एक भाई तो खूब भजन कर रहे और एक भाई पूरा नास्ती, भजन भजन से उसका कोई मतलब नहीं, बल्कि जो भजन करता है उसको टोंटी ही करता रहता है। बोले क्या दिन भर माला लग रहे बैठे, क्या दिन भर पत्थर के सामने बैठे हुए बेकार से काम कर रहे। एक दिन क्या हुआ, दोनों भाई को निमंत्रण कहीं आए, ये दोनों भाई निमंत्रण में जा रहे थे, जाते जाते जो भक्ति नहीं करता था जो नास्तिक था उसको एक सोने की मोहर मिली। उसने कहा देखा मैं भगवान के भजन भजन कुछ करता नहीं और तू दिन भर राम राम करते हो कृष्ण कृष्ण तेरे को कुछ अंदर, और देखो मेरे को सोने की मोहर मिल गया। उसने देखा भैया सच बात है, लेकिन और थोड़ी दूर जब गए ना जो भजन करता था उसको प्यार में एक लोहे की सीख गिर गई और खून बहने लग गया। फिर तो उसको सुजोग मिल गया, बोले देखा तू इतने प्रभु का भजन करते हो तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला, तेरे प्यार से कांटा गड़ गई और खून निकल रहा है और मैं भक्ति नहीं करता हूँ सोने की मोहर मेरे को मिली। जब उसने इतनी सी बात बोली इतने में तो बड़ा दुखी हो गया, कहते भैया बात सही है। इतने दुखी होकर के उसने ठाकुर जी को बुलाया, बोले ठाकुर जी मैं तेरे को दिन रात तेरे को याद करता हूँ भक्ति करता हूँ और तू मेरे को ऐसे विजित करते हो। जब ये बोली इतने में भगवान की आकाशवाणी हुई, बोले बेटा ये मत समझो भजन करने वालों को कष्ट आता है नहीं करने वालों को सुख आता है, ऐसे नहीं सुना तुम्हारी पूर्व जन्म की कथा। भगवान स्वयं बोले, बोले ये जो तुम्हारी भैया जो सोने की मोहर मिली ये पूर्व जन्म में इतने दान इतने पुण्य किया था, आज का दिन राज दरबार में उसको राज मुकुट पहनने का था, राजा बनने वाला था, लेकिन वो मेरे और मेरे भक्तों को निंदा करता है इसलिए मैंने सारे पुण्य इसके खत्म कर दिए और एक सोने की एक टुकड़े देकर के बोले बस यही लेकर जाओ राजपद से खारिज कर दी। तुम्हारी बात सुन, तुमने पूर्व जन्म में एक मर्डर किया था, आज का दिन तेरे को राज दरबार में फांसी झूलने का था, लेकिन चूंकि तू मेरे भजन करते हो भक्ति करते हो मैंने सारे पाप को खत्म खत्म करते 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 सारे खत्म करा दी और लास्ट में प्यार में एक कबल सीख गड़वा करके तेरे मैंने छोड़ दिया है। ये भगवान खुद बोले, इसलिए बेटा ये मत समझो भक्ति करने वालों को दुख आता है भक्ति नहीं करने वालों को सुख आता है, ऐसे ही मत समझो। फिर तो उनको तसल्ली आई। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन नेह विक्रम नाश अस्ति प्रत्यपाय न विद्यते सल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महत भया। मेरे लिए अगर कोई थोड़ी सी करता है अर्जुन उसको मैंने जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्ति दिला देता हूँ। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं भैया जीवन में जो कुछ आए कभी किसको ऊपर में कभी दोष नहीं लगाते हुए हैं अपना कर्म का फल मान करके भोग कर लो और भगवान की भजन करते रहो, भगवान की भक्ति कभी छोड़ा मत करो, भगवान की भजन कभी छोड़ना नहीं। बोले क्यों? तो ब्रह्मा जी कहते जैसे आपके पिता है वो अथाह संपत्ति का मालिक है, आपके पिता है अथाह संपत्ति के मालिक, लेकिन आप उनके पुत्र हैं। बोले आपको संपत्ति कब मिलेगा? जब जिंदा रहोगे तो मिलेगा, अगर तुम मर गए फिर तो संपत्ति मिलेगी कहाँ? कहते उसी तरह हमारे पिताजी कौन है? भगवान है, जो अथाह संपत्ति की अथाह आनंद की अथाह प्रेम की वो मालिक है, लेकिन उनकी भक्ति रस मिलेगा कब? बोले चिरकाल, जब तुम भक्ति में स्थिर रहोगे तभी। तो जैसे प्रहलाद महाराज जब भजन की उसको पिताजी ने पहाड़ का ऊपर से फेंक दिया, ठाकुर जी पकड़ लिया,
समुद्र को बीच में पत्थर बांध कर फेंक दिया, पत्थर तैरने लगते हैं, खौलते हुए तेल में छोड़ दिए, अग्नि में उसको बैठा दिया, आग जला दी, भगवान आकर गोद में उसको बैठा दिया। इसलिए इनके जीवन में कितने विपत्ति आए, लेकिन उन्होंने प्रभु का भजन नहीं छोड़ी, प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी। इसलिए एक बार सबके सब हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और एक बार जोर से बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हाँ देखो, और एक एग्जाम्पल देते हैं आपसे, मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, वो प्रश्न का उत्तर देना। अब देखना, जैसे गांव में गेहूं की खेती होती है, देखना एक ड्रम बना कर रखते हैं और ड्रम का नीचे एक होल होता है। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, जैसे इसी साल गेहूं की खेती हुई, लेकिन गेहूं का खेती में जो दाना हुई बहुत छोटा छोटा, आप उसको ऊपर में भी डाल दो, लेकिन दूसरे साल जब गेहूं की खेती की, बढ़िया दाना हुआ, बड़ा बड़ा दाना हुआ, उसको भी ऊपर में डाल दो। अभी जब नीचे से आप निकालोगे, आप लोग बताओ पहले बड़ा दाना आएगा ना छोटा दाना आएगा? क्यों छोटा आएगा? आपने तो बड़ा दाना डाला ना, आप तो बड़ा दाना डाले ना, तो छोटा क्यों आएगा बताओ? बोलो क्यों छोटा आएगा? हाँ देखो, यही चीज को समझ लो, जैसे हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, अगर थोड़ी विपत्ति आ जाए हम बिलबिला जाते हैं, हमने इतने भक्ति भजन की क्यों भोगना पड़ता है? इसलिए छोटा दाना आया, अपने पहले छोटा दाना डाले, डाला छोटा दाना, लेकिन उसको बाद में बड़े दाना डाले, बड़ा दाना आएगा, लेकिन छोटा दाना जब खत्म हो जाएगा, छोटा दाना जब खत्म हो जाएगा बड़ा भी आएगा, क्योंकि अपने बड़ा डाला। उसी तरह जब हम भगवान की अभी तक दिख रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या 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 हमें क्या बताए तो नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते, भैया कभी बिलबिला मत, अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो ना, स्थिर रहो, बिलबिला मत, जो बड़ा दाना डाल रहे हो, भक्ति कर रहे हो, जरूर उसका फल भी आपको जीवन में आएगा। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे थे, लेकिन कृष्ण ब्रह्मा जी की तरफ में देख ही नहीं रहे थे, भगवान तो सखाओं को साथ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। अभी ब्रह्मा जी ने देखा, भैया मैंने इतने स्तुति स्तब ठाकुर जी कर रहा हूँ, ठाकुर जो थोड़ी सी तो मुस्कुरा ही नहीं रहे, ठाकुर तो नाचते हैं। अभी ब्रह्मा जी सोचे, अभी तक तो मैंने कृष्ण को स्तुति की, अभी थोड़ी सी उनको भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ, ब्रह्मा जी फिर उनको ब्रजवासियों को स्तुति करते हैं। बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज गोसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले ये ब्रजवासियों का सौभाग्य को हम क्या बताएं, क्योंकि कृष्ण कौन, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन है, लेकिन ये होते हुए भी सखाओं का कृष्ण सखा बताए। अगर कृष्ण कभी हार जाते हैं ना, सखा लोग कंधे पर बैठे जाते हैं, बोले घोड़ा पर, कृष्ण घोड़े पर बैठे हैं। अगर कृष्ण कभी मक्खन चोरी की, मैया सीता कान पकड़ दी, बोले लाला तुमने मक्खन चोरी की, कृष्ण डर जाते हैं, कहते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कृष्ण डर के मारे झूठ बोल देते हैं मैया को। इसलिए कभी कृष्ण इतने वशीभूत हो गए, मैया जी को उखल में बांध देती है, जो विश्व ब्रह्मांड को माया से बांध करके रखा, कृष्ण मैया के प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रजवासी कितने सौभाग्यवान, जब उन्होंने ब्रजवासियों की सौभाग्य बताए ना, इतने में कृष्ण थोड़ी सी मुस्कुरा दिए। फिर ब्रह्मा को पता चला कृष्ण का कमजोर कहाँ पर है, कमजोर मतलब कृष्ण सिखा देते हैं, मेरी सेवा से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, अगर मेरी कोई भक्तों का सेवा करे ना, उससे ज्यादा संतुष्ट मैं भक्त सेवा से होता हूँ। अरे ब्रह्मा जी भगवान को बोले, प्रभु जानंतु एव जानंतु, अगर कोई बोले अरे वही जो गैया चराता था ना, अरे गोपियों के साथ में जो रास रचाया ना, वही भगवान कृष्ण का बात बताता, हम सब जानते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते, भैया मेरा चार सर है, तुम्हारे एक सर है, और ये दुनिया को सृष्टि करने वाला मैं हूँ, मैं ब्रह्मा कहता हूँ,
अगर कोई बोलता है प्रभु को जानता हूं तो जानने दो, लेकिन मैं ब्रह्मा कहता हूं, ये पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद कोई गिन सकते हैं, लेकिन भगवान की माया को, भगवान की महिमा को कोई नहीं गिन सकते हैं। देखो एक समय ब्रह्मा जी की भी अभिमान हुई, ब्रह्मा जी की भी अभिमान हुई थी, और इतना बड़ा काम करता हूँ, भगवान मेरे को थोड़ी बहावा नहीं देते, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी को ऐसे नाच नचा दिए, ब्रह्मा तो प्रभु के चरण में लास्ट में आकर के माफी मांगे। ऐसे करते हुए ब्रह्मा जी चले गए, फिर भगवान अपना लीला करते रहे। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बोले कात्यायनी महामाये महाजोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। देखो ये जो मंत्र है ना, इसी मंत्र से ब्रज के गोपियों ने कात्यायन की पूजा की। देखो ये मंत्र को आप लोग बहुत याद करेंगे, ये मंत्र दो काम करता है। पहला काम करता है, अगर इसी मंत्र से कात्यायन की पूजा कर दो भगवान स्वयं पति बन जाते हैं। दूसरा काम क्या करती है, अगर जिस जिन जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है, अगर इसी मंत्र से आप कात्यायन की पूजा करो बड़े जल्दी जल्दी उनको पति मिल जाते हैं। ये जो मंत्र में कात्यायनी महामाये बड़ा जो एक भी जो शब्द है ना बड़ा आश्चर्य शक्ति है। महाजोगी नधीश्वरी मतलब क्या, जो है को नहीं और नहीं को जो है कर सकती है, वो अघट न घटे न घटे से जो योग माया है, हैं? तो अगर आप हमारे ऊपर में प्रसन्न हो क्या करो, जो नंद के लाला जो कृष्ण हैं इनको हमारे पति बना दो। भगवान संतुष्ट होकर के इनको दर्शन दिए ठाकुर जी, और दर्शन दे करके भगवान ने बोले देखो शरद पूर्णिमा में तुम लोग को साथ में मैं रास करूँगा। अभी भगवान रास रचाने जा रहे हैं, रास रचाने से पहले जब श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णना कर रहे थे, अभी उन्होंने सब जीव को सावधान कर दिए थे। रासलीला का जो पहला श्लोक है, बोले भगवान अपि तारात्री सरत उत्फुल्ल मल्लिका विक्सरत मनश्चक्री जोग माया उपाश्रिता। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते देखो ये जो रास रचया है ना, ये कोई जीव नहीं है, भगवान है। ये कोई जीव रास नहीं कर सकता है, जीव कोई रास नहीं कर सकता है, लेकिन कितने गोपियों के साथ में मैंने रास रचाए, बोले 100 करोड़ गोपियों के साथ में प्रभु रास किया, जिसमें स्वयं भोले बाबा भी गोपी बन करके आते हैं। इसलिए जो रास है, रास का मतलब होता है जहाँ रस है। बोले भैया रस कब मिलता है, बोले जब जीवात्मा परमात्मा को साथ मिले तभी जीवन में आनंद आता है, हाँ जीव जब भगवान से मिले। कि रास नहीं, जब ब्रज गोपियाँ भगवान को साथ में, रास मतलब होता है नृत्य कीर्तन और गान, जैसे हम करते हैं ना नाचते गाते, इसका मतलब रास। रास मतलब कोई यहाँ भोग का कोई वस्तु नहीं। अरे ये गोपियाँ थी कौन, पहले सुनाया था ना, जब भगवान राम दंडकारण्य में पहुंचे, ये पूर्व जन्म में बड़ी बड़े ऋषि मुनि थे, कठोर तपस्या कर रहे थे, भगवान राम को देख करके उनको श्याम की याद आई, भगवान राम को पति रूप में प्रार्थना की, भगवान राम बल नहीं ये अवतार में केवल एक गुप्त सीता के बजाय हम किसको ग्रहण नहीं कर सकते, तुम सब के सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे। गोपी मतलब होता है, गो मतलब होता है इंद्रियां, और पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर अपना इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पीती है ये गोपी। गोपी कोई स्त्री नहीं है, इसलिए पूर्व जन्म में श्रुतिचरी कद वेद का मंत्र कठोर तपस्या थे, भगवान कृष्ण दर्शन थी एक एक वेद मंत्र। बोले क्या चाहते हैं, बोले प्रभु गोपियां जैसे आपकी सेवा करती हैं ऐसे ही सेवा करना चाहता हूँ। बोले तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। वो सबके सब गोपी बन करके, सबके सब गोपी बन करके आए, ये कोई स्त्री फ्री नहीं है। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी सब का सावधान कर देते हैं, देखो रास रचे या स्वयं कृष्ण,
हमारे घर में एक पत्नी को देखे होंगे, एक पत्नी को कर्तव्य निभाना कितना कठिन होता होगा। अगर किसी घर में दो पत्नी हो जाए ना, देखना क्या होता है, दिन भर नाटक चलेगा। बोले एक समय एक व्यक्ति के घर में दो पत्नी थी। अभी पति दिन भर काम करता है बाहर, सोचता है घर में जाऊं, पत्नी मीठी मीठी थोड़ी बोली बोलेगी, बैठा करके पंखा की हवा देगी, गर्म गर्म रोटी खिलाएगी। लेकिन घर में आए तो बड़ा ही महाभारत, दोनों पत्नी में महाभारत। पत्नी ने देखा एक काम करता हूँ, ये दोनों के लिए दो मंजिल मकान बना देता हूँ, एक के लिए ऊपर और दूसरे के लिए नीचे। फिर तो दोनों अगर अलग अलग रहेगा ना, तब शांति रहेगी। इतने में जब पति बाहर से आए, जो नीचे रहती है वो पहले से ही खाना पीना बना करके बैठती है, पति आए तो जोर जबरदस्ती अंदर में ले जाती है। लेकिन जो ऊपर रहती है परेशान, ये रोज रोज ये झगड़ा। एक दिन जो ऊपर थी वो नीचे आकर उतर कर बैठ गई, आज मजा चखा। जब पति बाहर से आए, बोले तुम रोज रोज नीचे चले जाते हो, मैं ऊपर बैठी रह जाती, चलो ऊपर में आज खाना ऊपर खाओगे। जब उसने हाथ पकड़ करके ले जा रही थी ना, जो नीचे बैठी हुई थी, बोले कहाँ जा रहे हो भैया, मैं भी तो खाना पीना बना करके नीचे बैठी हुई हूँ। वो तो हाथ पकड़ लिए, दूसरे ने टांग पकड़ ली। अभी दोनों दोनों तरफ से खींचे, कोई छोड़ना नहीं चाहिए। इसी समय में एक चोर घर में चोरी करने के लिए आया था। उसने इसको देख करके सोच रहा है, भैया घर में अगर दो बीवी हो तो क्या लड़ाई होता है। बड़े देर से इनकी जब लड़ाई खत्म हुई, वो जो चोर चोरी करने के लिए आया था भूल गया, वो देखने लग गया। जब इनकी लड़ाई समाप्त हुई, देखा घर में चोर है। अभी इसको पकड़ करके पुलिस को पास में ले गए। चोर कहता है, पुलिस साहब मेरे को जो कुछ दंड करना दंड दो, लेकिन एक दंड मेरे को मत दिया। बोले कौन सा? बोले मेरे घर में दो बीवी नहीं होनी चाहिए, दो पत्नी नहीं होनी चाहिए। इसलिए नारद भी एक समय आश्चर्य में पड़ गए। कृष्ण जब द्वारका में लीला कर रहे थे, नारद सोचे, बोले भैया घर में अगर दो पत्नी हो, घर में महाभारत। लेकिन कृष्ण 16,108 ये पटराणी को संभाल कैसे रहेंगे? एक दिन नारद जी द्वारका में पहुंचे, सबसे पहले वहां पर देखा 16,108 राजमहल। पहले सबसे रुक्मिणी के घर में नारद जी प्रवेश किए। जब प्रवेश किए, देखा प्रभु जी वहां पर यज्ञ करते हुए प्रभु को देखा। जब नारद जी गए, भगवान कृष्ण उनको आसन देकर बैठाए, चरण धोए। बोले नारद जी बीच बीच में कभी तो आया जाया करो, बीच बीच में तो दर्शन दो। खूब नारद जी को सेवा बुझा दिए। नारद जी उसी राजमहल से, जब उन्होंने सत्यभामा के राजमहल में प्रवेश किए, देखा ठाकुर जी बच्चों को बैठा करके पढ़ा रहे। इसी घर से दूसरे घर में गए, कृष्ण कहते नारद जी अब तो बड़े दिनों में आए हो, कभी कभी बीच बीच में तो दर्शन दिया करो। बोले ये क्या, अभी तो ठाकुर जी मेरे को विदाई दिया, दूसरे विदा कर रहे और कह रहे बड़े दिनों में आए हो। वहां से उन्होंने मित्र बिंदा के घर में गए, देखा वहां पर भगवान तो वहां पर उसके साथ पत्नी को साथ चौपट खेल रहे थे। अभी उन्होंने जिन जिन महल में गए, ठाकुर जी की अलग अलग लीला करते हुए देखे। और हर बार ठाकुर जी कहते हैं, नारद जी कभी कभी बीच बीच में पधारते हो, जिसको देख कर क्यों चला चौ। बोले भैया अगर किसी ने अगर किसका मन भर सकते हैं ना, केवल भगवान कृष्ण ही भर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जीवों को सावधान कर देते हैं कि रास को कोई काम क्रीड़ा मत समझो, ये कोई काम क्रीड़ा नहीं, प्रभु की दिव्य लीला है। नहीं तो शंकर जी क्यों गोपी बनकर गा रहे? शंकर जी ये क्यों गोपीश्वर महादेव रूप में आए? शंकर जी गोपी क्यों बने? इसलिए गोपी कोई स्त्री की स्त्री नहीं, ये गोपी एक दिव्य भाव है, एक दिव्य भाव है। ब्रह्मा भी गोपी रूप को लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, नारद जी उद्धव जी वो भी साधन करते, कब ये गोपी स्वरूप धारण करते हुए भगवान की सेवा करे, कृष्ण की सेवा करे। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण जब बंसी बटे को नीचे भगवान खड़े होकर के भगवान दिव्य बंसी बजाए, लेकिन वो बंसी की शब्द क्या निकल रहा था? बोले क्लीन, वो शब्द निकला था क्लीन, लेकिन इस शब्द से तो क्लीग अक्षर निकली। ये जो क्लीग है ये काम बीज, देखना कोई भी मंत्र होगा सबसे पहले क्लीग होगा, उसमें पांच अक्षर है। देखो जैसे क ल
ई चंद्र और बिंदु, इसमें पांच अक्षर हैं। कहते जो विश्व ब्रह्मांड है ये पांच वस्तु को तरह विश्व ब्रह्मांड बना हुआ, मिट्टी वायु अग्नि जल और आकाश। ये जो क्लिंग अक्षर है मानो विश्व ब्रह्मांड अक्षर है, ये एक अर्थ है। इसमें जो दूसरा अर्थ है क मतलब कृष्ण, ल मतलब राधा रानी, ई मतलब मिलन, चंद्र बिंदु मतलब इनकी मिलन में जो दिव्य आनंद प्रकट हो वो क्लिंग एक काम भी है। लेकिन कृष्ण तक क्लिंग अक्षर उच्चारण की, लेकिन राधा रानी सुन रही थी ये बंसुरी से केवल राधे 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 सब में निकल रहा, और ललिता क्या सुन रही थी ये बंसुरी से केवल ललिता ललिता सब में निकल रहा, विशाखा क्या सुन रही थी इसमें केवल विशाखा 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 विशाखा। इतने में गोपियां घर की काम कर रही थी, कोई दूध दोहन कर रही थी, कोई बच्चे की सेवा कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने ये क्लिंग शब्द सुने, सुनते ही उसी समय में ही उनने सारे काम को छोड़ करके गोपियों ने कृष्ण के लिए दौड़ पड़ी। जब कृष्ण के लिए दौड़ पड़े कुछ गोपियां तो निकल के चली गई, लेकिन कुछ गोपियां निकल नहीं पाई, कुछ गोपियों को पतियों ने रोक दी। हाँ बोले सुना, इसमें रोके किसको और गए कौन? बोले गई कौन? बोले जिनकी शरीर पति को साथ में कोई संबंध नहीं था, जो पवित्र थी, वो सब के सब चली गई। लेकिन गई नहीं कौन, किन किनियों को पतियों ने रोक दिए? बोले खबरदार घर से निकलोगे ना टांग तोड़ देंगे, घर से बाहर नहीं निकल सकते। बोले किसको किसको रोक दिए? बोले जिनकी शरीर पति को शरीर को साथ में संबंध था वो शरीर हो गया अपवित्र, वो प्रभु की सेवा में लगने का लायक नहीं, इसलिए जोग माया ने उनको जाने नहीं दी। जब जाने नहीं दी इतने में इनके हृदय में कृष्ण के प्रति विरह प्रकट हुआ। बोले हे प्रभु, आज जो आपकी जो दिव्य रास है, क्या आज ये रास में हम सम्मिलित नहीं हो सकते हैं? हृदय से उनकी बड़ी विरह प्रकट हुई। जब विरह प्रकट हुई, विरह से इनकी जो कमी थी ये कमी दूर हो गई। पतियों ने तो शरीर को रोक दिया, लेकिन आत्मा को तो रोक नहीं सकते ना, उन्होंने आत्मा शरीर से उन्होंने रास लीला में पहुंच गए। जब उन्हें रास में सम्मिल पहुंची इतने में कृष्ण उनको स्वागत करते हैं। बोले स्वागत में महाभागा, भगवान इनको स्वागत करते हैं। बोले इनको स्वागत क्यों करते हैं? बोले तुम लोग ने संसार का सारे बंधन तो तोड़ करके तुम लोग ने मेरे पास में आए। अब देखना जगत में कोई उल्टा पुल्टा काम करने के लिए जाओ ना, देखना जगत में तुम्हें कोई बाधा नहीं देगा। लेकिन ये थोड़ी सी प्रभु की भजन करने के लिए जाओ, गला में कंठी माला तिलक थोड़ा प्रभु भजन करो। जैसे मीरा जब भजन की, उसका पति, उसका जेब, उसका देवर, उसकी नणन, गांव के एक कुत्ता तक भी उसको पीछा नहीं छोड़ी, सबके सब उसकी विरोध हो गई मीरा की। लेकिन मीरा ने किया कि सारे बंधन को उसने तोड़ करके कृष्ण की भजन नहीं छोड़ी, उसने दुनिया को छोड़ दी लेकिन प्रभु की भजन उसने नहीं छोड़ी। देखो दुनिया में किसकी नाम हो रही है? मीरा की नाम हो रही ना, लेकिन जो विरोध कर रहे थे उनका बदनामी हो रही है। आप लोगों ने रावण का नाम सुने हो? कौन कौन रावण का नाम जानते हैं? हाथ उठाओ। देखना अभी भी होली में रावण को जलाया जाता है, जलाया जाता है कि नहीं? यहाँ पर तो बड़े बड़े रावण मिलता है, बड़े बड़े रावण अभी भी, क्योंकि अभी भी उसको जलाया जाता है। बोले कारण क्या? बोले कारण है उसने भगवान की भक्ति का विरोध किया था, इसलिए भक्ति का विरोध करने का नाते का तृतीय युग में किया था, अभी भी रावण को जलाया जाता है। शिक्षा देते हैं जो व्यक्ति भगवान की भक्ति का विरोध करते हैं, भैया जिंदगी भर तुम्हारी बदनामी होगी, जगत में तुम्हारी सुनाम होने वाले नहीं। कहा तृतीय युग में, कलयुग में अभी भी रावण को जलाते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में उसने विरोध किया था, सीता को उठा करके ले गया था, इसलिए भगवान की भक्ति में विरोध नहीं करनी चाहिए। इसलिए गोपियां जब आई भगवान ने उनको स्वागत करते ही कहते महाभागा, जगत में सबसे बड़े भाग्यवती अगर कोई हो तुम लोग, जगत का सबसे भाग्यवती, सारे बंधन को तुमने तोड़ करके
तुमने मेरे पास में आए हो। तो भगवान उनको समझाते हैं, देखो कृष्ण क्या कहते हैं, बोले देखो तुम लोग पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता नारी का धर्म है पति को सेवा करना चाहिए, भले ही पति लंगड़े लुढ़े कुछ क्यों नहीं हो, पति सेवा करना ही पत्नी की यही परम धर्म है। और देखो देखो गोपियां, ये जो अंधकार रात है, ये अंधकार रात्रि में तुम लोग स्त्री जाती हो, भगवान से क्या स्त्री जातियों को अकेले कभी घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ये कृष्ण स्वयं उनको सिखा देते हैं। इसका तात्पर्य जो स्त्री जातियों को बताए, जब वो बच्चे हो ना पिता माता के अधीन में रहो, जब बड़े हो जाओ पति के अधीन में रहो, अब जब बूढ़ी हो जाओ बच्चे के अधीन में रहो। इसलिए स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता कभी बताया नहीं, कभी नहीं बताया स्वतंत्रता, भगवान स्वयं कहते हैं। इसलिए तुम लोग पतिव्रता नारी अर्धरात्रि में निकलना ये सही नहीं, इसलिए अपना घर में चले जाओ, जा करके पतियों की सेवा करो। इसलिए शिक्षा देते हैं हम भी, कभी भी हमें रात में, आप लोगों जो बड़े बूढ़े को देखना, पहले क्या था, अगर शाम हो गया ना, अगर कोई बच्चा घर में नहीं आएगा, मेरी याद है शाम हो गया कभी मैंने घर में नहीं आया था, इतने पिटाई पिटाई मेरे को क्या जो सोच नहीं सकते, जिंदगी भर के लिए याद रहा, बोले तू क्या कर रहा था, किस लिए गया, शाम हो गया क्यों नहीं आया घर में। भगवान शिक्षा देते ही संध्या होते ही घर में वापस आ जानी चाहिए, जगत में इतने अनहोनी उल्टा पुल्टा क्यों होता है, कारण यही है हमने भगवान के आदेश को पालन नहीं करते। इसलिए बोले तुम लोग पतिव्रता नारी, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, घर में जाओ। इतने में कृष्ण एक स्टोरी सुनाए, बोले देखो जो स्त्री अपना पतिव्रता धर्म जाचने करती है, पतिव्रता धर्म में कितने शक्ति, भगवान की सुंदर स्टोरी सुनाए। बोले एक समय दो पति पत्नी रहती थी, घर में एक छोटा लाला है, वो लाला अभी घुटने पर चलना सीखा है, और पहले लकड़ी में रसोई होती थी, अभी अभी उन्होंने लकड़ी में रसोई बनाई, लकड़ी में अभी आग जल रही धधक रही है। इतने में वो पति पत्नी के जंघे के ऊपर सर रख करके पति सो रहा था, इतने में बच्चे का नींद खुल गई, नींद खुल गया तो बच्चा ने घुटन पर चलते चलते एकदम चूल्हे को पास में गिरने वाला है। अभी पत्नी तो दुविधा में पड़ गई, अभी मुझे क्या करनी चाहिए, बोले क्यों, पति मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे हैं, अगर मैंने पति को अगर नींद अगर जगा दूं, मैं एक पतिव्रता नारी, ये पतिव्रता नारी का धर्म नष्ट हो जाएगा, फिर तो मेरे अपराध बनेगी, फिर अगर बच्चे को नहीं रखा करेंगे बच्चे तो फिर चूल्हे में गिरने वाले। बोले भैया जो कुछ हो, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मेरा कर्तव्य पति सेवा करना, भले ही बच्चा गिर करके मर जाए। और देखते देखते सचमुच से वो बच्चा धीरे धीरे गया और चूल्हे में ही गिर पड़ा, जो चूल्हे में गिर पड़ा अभी उसकी मन में तो खिलबिल मच गई। थोड़ी देर बाद में पति की नींद खोली, बोले लाला कहाँ है, बोले लाला तो चूल्हे में गिर पड़ा, बोले तुमने रखा नहीं किया, बोले आप मेरे जंघे को मेरे सर रख करके सो रहे थे, अगर मैं जगा देती ना मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता। बोले चलो चलो देखते ही, सचमुच से जा करके देखा, वो जलते हुए चूल्हे के अंदर में बच्चा किलकारी मारते हुए खेल रहा था, वो अग्नि ने अपना पतिव्रता धर्म को सामने अग्नि अपना तेज को शांत कर दी। कृष्ण ने कहा देखा जो स्त्री पतिव्रता धर्म जाजन करती है, ये पतिव्रता धर्म में कितने शक्ति तुमने देखा। इतने में गोपियों ने कहा हम भी एक स्टोरी सुनाए, बोले सुनाओ क्या स्टोरी सुनाओगे। बोले एक समय दो पति पत्नी बड़े आनंद पूर्वक रहते थे, एक समय पति ने पत्नी को बोला कुछ दिन के लिए कोई विशेष काम के लिए मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। पत्नी बोली अगर आप बाहर जाओगे, मैं जो ये श्रृंगार करती हूँ किसके लिए, तुम्हारे लिए, खाना बनाती किसके लिए, तुम्हारे लिए, इस बिस्तरा सजाती हूँ किसके लिए, तुम्हारे लिए, ये घर साफ क्यों करती है, तुम्हारे लिए, मैं जो कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए तो करता हूँ, अगर तू चले जाओगे तो मैं किसकी क्या करूँ। बोले कोई चिंता मत कर, मैं अपना के फोटो दे करके जाता हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आऊँ ना तब तक ये फोटो को भी पूजा करते रहना। अभी वो पत्नी अभी फोटो को पूजा करती है, कुछ दिन बाद में पति आ गया, इतने में उसने दरवाजा खटखटाया, इतने में गोपियों ने कहा कृष्ण ये बताओ अभी उस स्त्री को क्या करनी चाहिए। बोले भैया जब पति आ गए
फिर ये फटो क्यों पूजा करोगे? क्या देखो, तुमने तो गीता में बताया ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्यांग द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तुमने ये बात बताई कि नहीं? बोले हाँ। बोले मैं ही पति, मैं ही पिता, मैं ही माता, मैं ही सब कुछ हो, इसलिए तुमने बंसरी बजा करके हमको बुलाया। जब हमको बुलाया बंसरी बजा करके, फिर कह रहे हो घर में वापस चले जाओ। बोले देखो कृष्ण, आप जो इतनी अच्छी अच्छी हमें ज्ञान की बात बताए ना, आप हो गए गुरु। और शास्त्र कहता है प्रथम अंतो गुरु पूज्य, पहले गुरु जी की पूजा, उसको बाद में ठाकुर जी का पूजा। आप तो कृष्ण बंदे जगत गुरु, तुम तो जगत गुरु है ना, इसलिए पहले तुम्हारी पूजा, फिर तो ठाकुर जी की पूजा। जब उन लोगों ने ऐसे उत्तर दिया, कृष्ण प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भगवान, फिर उन्होंने दीपक, प्रभु ने रास रचाया, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी। जो एक आंख में काजल पहनी हुई थी, कृष्ण उनको दूसरे हाथ में पहना दिया। जो गले की हार को कमर में, कमर का करधनी गले में पहन ली थी, ठाकुर उसको ठीक से श्रृंगार कर दी। जो आधा साड़ी पहन करके आए थे ठाकुर जी, पूरे साड़ी पहना दिए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर हमें कोई अच्छे तरह से कोई श्रृंगार कर सकते हैं ना, वो ठाकुर ही हमारी अच्छे तरह से श्रृंगार कर सकते हैं। ठाकुर जी बड़े सुंदर श्रृंगार की, वहां पर दिव्य भगवान ने रास की, जिस रास में स्वयं शंकर भी, जहां पर गोपी बन करके स्वयं शंकर भी जी आए। बोले श्री गोपीश्वर महादेव की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन जब भगवान रास कर रहे थे ना, वो रास करते करते गोपियां ये देख रही थी कृष्ण केवल हमारे साथ में, और किसको साथ में है ही नहीं। लेकिन राधा रानी देख रही थी कृष्ण मेरे साथ में और कृष्ण सबको साथ में। इतने में राधा रानी की मान हो गई। राधा रानी मान त्याग करके, मान करके जब चली गई, इतने में गोपियों के अंदर में सौभाग्य मत प्रकट हुआ। सौभाग्य मत मतलब क्या है? कृष्ण इतने गोपियों को प्रशंसा कर रहे थे, उनकी महिमा गा रहे थे। कभी अगर पसीना आए तो कृष्ण उनको पसीना पोंछ रहे थे। कृष्ण बोल रहे थे, थक गई हो थोड़ा चरण दबा दूं। देखो माताओं के अंदर में एक दोष, जानते हो क्या दोष है? अगर पति अगर पत्नी को ज्यादा प्रेम करे ना, फिर वो पत्नी सर पर चढ़ बैठती है। अभी गोपियों के अंदर में बड़े अभिमान हो गया, सौभाग्य मत हो गया। क्या सौभाग्य मत हो गया? देखो कृष्ण हमें कितने प्यार करते हैं, कितने कृष्ण हमें प्रेम करती हैं। इनके अंदर में सौभाग्य मत प्रकट हुआ। बोले राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, राधा के बगैर हम पूर्ण हैं। अभी कृष्ण ने देखा भैया रासेश्वरी तो राधा रानी, अभी ये लोग राधा रानी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। राधा रानी की कोई जरूरत नहीं। इतने में कृष्ण रास परित्याग किए। जब परित्याग किए, इतने में कृष्ण राधा रानी को लेकर के कुंज में गए। बड़े सुंदर राधा रानी को उन्होंने श्रृंगार की। अभी गोपियां कृष्ण को ढूंढते हुए पेड़ पौधा लता पताओं को प्रश्न किए, कोई भी बोले नहीं कुछ। पृथ्वी को बोले, पृथ्वी तू सब सर्वत्र विद्यमान हो, तेरे को तो पता होगा श्याम सुंदर कहाँ। इतने में पृथ्वी को ऊपर देखे तो कृष्ण की दो चरण के चिन्ह दर्शन किया। बोले भैया ये तो कृष्ण का चरण चिन्ह है, कृष्ण तो इधर गए। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए, देखा दोनों चरणों के बीच में एक बड़ी प्यारी सुंदर किशोरी की चरण चिन्ह है। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अनयाराधितम भगवान हरीश्वर। यद्यपि सब गोपियां वहां पर थी, लेकिन कृष्ण सबको छोड़ करके यही गोपी को लेकर गई। जरूर जितने गोपियों में ये सर्वश्रेष्ठ रूप में कृष्ण की सेवा की, इसलिए कृष्ण सबको छोड़कर इनको लेकर गए। बोले वो कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की। अरे जोर से कहो, बोले श्रीमती राधा रानी की। अभी मैंने और थोड़ी देर दूर जब गए, देखा बीच में वो चरण चिन्ह है ही नहीं। कहते भैया ये चरण चिन्ह कहाँ गया? दूसरे गोपी कहते हैं ये तो हृदय को और भी पीड़ा देने वाले। बोले क्यों? बोले कृष्ण का चरण देखो वो जाता पृथ्वी में तबाह हुआ। बोले मतलब क्या? बोले श्याम सुंदर उनको गोद में उठा करके ले गए। ऐसे करते 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 जब निकट में पहुंच गए ना,
इतने में इनके हाई होला सुन करके कृष्णा राधा जी को श्रृंगार कर रहे थे, उसका नाम श्रृंगार भट्ट है। आप लोग ने कोई श्रृंगार भट्ट देखे हो? कौन कौन देखे हाथ उठा, एक दो तीन, और कोई नहीं देखे। देखो जब आप चौरासी ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे ना, अभी बता रहे थे ना जो चौरासी ब्रजमंडल परिक्रमा हम करने के लिए हैं, हम चाहते हैं जिसको परिक्रमा करने के लिए कम से कम महीना डेढ़ महीना लगता है अगर उसको परिक्रमा करो तो, इसलिए इसको ये ब्रजमंडल परिक्रमा में भगवान की जितने अपने कथा सुनी है ना वो सारी लीला स्थली आती है। कृष्ण कहाँ पर बंसरी बजाया जाए, उस स्थान का नाम है चरण पहाड़ी। अभी भी कृष्ण के इतने बड़े बड़े चरण बना हुआ, इतने बड़े बड़े चरण, हाथी के चरण, कृष्ण के चरण, वहां पर राधा रानी जहाँ पर मुकुट रखा था, मुकुट का चिन्ह अभी भी वो सब चिन्ह है। इसलिए ये ब्रजमंडल परिक्रमा करने से, हाँ पहले मैंने बताया ना कि चौरासी ब्रजमंडल परिक्रमा है, जिसको एक बार परिक्रमा करने से जीव 84 लाख जमी से जीव को मुक्ति मिल जाती है। कम से कम जीवन में एक बार ये ब्रजमंडल परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए। इसलिए ब्रजमंडल परिक्रमा की बड़ी महत्व तो पहले मैंने बताया, अगर जिसकी इच्छा होगी हम ये ब्रजमंडल परिक्रमा करना चाहते हैं, हम उसको जिसको एक डेढ़ महीना लगता है हम उसको 7 दिन में हम चाहते हैं उसको परिक्रमा करने के लिए, जिनकी इच्छा होगी हम वो परिक्रमा करना चाहते हैं। आप लोग कथा के बाद में अगर अपना नाम दे करके फोन नंबर दे करके जाओगे, फिर हम आपके साथ में कंटैक्ट रखेंगे, फिर आपकी बुला करके हम कोशिश करेंगे जैसे 7 दिन में ये पूरा 84 ब्रजमंडल परिक्रमा को हम कर पाए। इसलिए ऐसे करते करते जब कृष्ण राधा रानी को बोले, इसलिए जहां पर उनको श्रृंगार किया उसका नाम श्रृंगार भट्ट। अभी भी वृंदावन में वो स्थान जहां पर कृष्ण अपना हाथों से राधा जी की श्रृंगार किया, इतने में जब हई होला शब्द सुनने को मिला, कृष्ण बोले चलो जल्दी चले जाते हैं। राधा रानी थोड़ी सी एंट गई, बोले मैं चल नहीं सकती हूँ, जैसे मेरे को उठा करके लाए थे ऐसे उठा करके ले जाओ। बोले क्या कंधे पर बैठो? बोले बैठा लो। इतने में कृष्ण वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं और वहीं पर राधा रानी हा कृष्ण करते करते वहीं पर बेहोश हो गई। गोपियां फिर आकर के राधा रानी को फिर उन्होंने होश दिलाए, बोले देखो कृष्ण को उसको भजन बहुत प्यारा है, चलो हम जमुना किनारे में बैठ कर उनकी हम भजन करेंगे। कृष्ण स्वयं कहते हैं ना अहम बसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय न च, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं जोगियों का हृदय में नहीं। बोले कहाँ रहते हो? बोले जहाँ पर मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते हैं, मेरे सत्संग करते हैं। और उपनिषद कहता है ना अयम आत्मा ब्रह्मचर्येन न लभ्य, आत्म तत्व को प्रवचन से नहीं, बुद्धि से नहीं, विवेक से नहीं। बोले कैसे मिलेंगे? बोले जब मैं वैश्य विरुणते तेने लगता, भगवान जब किसको स्वयं को स्वयं जना दे। इसलिए कहते ना सही जाने जा रहे देहु जनाई, उनको वही जान सकते हैं भगवान कृपा करके जिसको जनाते हैं। वो कृपा करके जनाएंगे कैसे? बोले कलयुग में सबसे सरल उपाय है ठाकुर का नाम, ठाकुर जी के नाम। जब ठाकुर का नाम जप करेंगे, ठाकुर का कीर्तन करेंगे, भगवान दर्शन देते हैं। फिर गोपियों ने जाकर जमुना किनारे में जो गीत गाए उसका नाम कहते गोपी गीत उसका नाम। इसलिए अभी हम गोपी गीत का 2-4 श्लोक सुन लेते हैं। देखो ये जो कथा है ना, ये जो भागवत कथा है, हमें इतनी कथा पता है, अगर दिन में सवेरे 4 घंटा, अगर शाम को 4 घंटा होना, ये किसी तरह से जा करके ये भागवत खत्म होती है। लेकिन हम फिर एक टाइम सुनते हैं, फिर 3 घंटा में कीर्तन इधर उधर, फिर तो 1.5-2 घंटा कथा सुनते हैं, इसमें कुछ नहीं सुना जाता है। लेकिन हम इतनी कथा जानते हैं, इतनी कथा अगर 4-4 घंटा सुनोगे ना, किसी तरह से ये कथा किसी तरह से, ये रासलीला इतनी बड़ी है। हमारे जीव गोस्वामी विश्वनाथ चंद्र ठाकुर इतने बढ़िया बढ़िया उन्होंने टीका लिखे, एक श्लोक को अगर दिन भर व्याख्या करो तभी खत्म नहीं हो, इतने इसके अंदर में रस और तत्व भरा हुआ है। और थोड़ी समय में और कितना सुन सकते हैं।
इसलिए अभी गोपी गीत का दो श्लोक हम लोग सुन लेते हैं, ठीक है। चलती तेरी चुनरी को उतार करके भगवान को बैठाए और भगवान को प्रश्न किया। प्रश्न करते हैं, तीन प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु ये बताओ भजन करने वालों को एक व्यक्ति भजन करते हैं वो कौन है, बोले करे नहीं करे तभी करते हैं ये कौन है, करे नहीं करे तभी जिसको साथ में कोई मतलब नहीं बताओ ये कौन है, ये तीनों में तुम कौन हो। कृष्ण ने कहा देखो जो भजन करने वालों को जो भजन करते वो बढ़िया, जैसे दुकान में जाओ 100 रुपया लेकर के 100 रुपया दो माल दे दिया बस खत्म, उसमें कोई ममता नहीं है, वो प्रेम नहीं है। लेकिन करे नहीं करे तभी करते हैं, कभी उसको ध्यान देखो उसमें, बोले ये कौन है, बोले पिता और माता। देखना बच्चा जितने नालायक क्यों नहीं हो जाएगा, लेकिन पिता माता क्या सोचते हैं, मेरे नालायक, ये मेरे पिता, ये मेरे बेटा है, उनके हृदय में स्वाभाविक रूप में बच्चों के प्रति स्नेह है, स्वाभाविक रूप स्नेह है। कभी ये पिता माता है इनके हृदय समझना बड़ा कठिन है। देखो एक समय कोई के प्रेमिका किसी प्रेमिको को बोला देखो तभी मैं तेरे को प्रेम करूंगी अगर तुम्हारी मैया को मार करके उसका दिल अगर छीन करके ले आ। अभी उसने पागल होकर गया और उसने अपना माँ को उसने मार डाला और उसको दिल को लेकर के वो आ रहा था, इतने में उसने हठात उसने ठोकर खा कर कहीं गिर पड़ा तो मैया की दिल से आवाज आ रही है, बोले बेटा कहीं चोट तो नहीं लग गई, बोले माँ के हृदय कितनी बड़ी चीज है। लेकिन इसलिए ऐसे नहीं घर में शादी हो गई, घर में बहू आ गई, जिस माँ ने हमें 9 महीना तक गर्भ में धारण की, गिल्ली में सो करके सूखा में हमें सुलाई, मुंह की आहार निकाल करके हमें खाना खिलाई, इतने कष्ट से लिखा पढ़ा सिखाई, ऐसे नहीं घर में बहू आ गई, एक रात में ऐसे मंत्र दिया दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब हो, नहीं ऐसे कभी नहीं होनी चाहिए, ऐसे कभी नहीं होनी चाहिए। हम जैसे पिता माता की सेवा करेंगे हमारा बच्चे भी वैसे सेवा करेगा, अगर हम स्वयं पिता माता की सेवा नहीं करें बच्चे कभी हमारी सेवा करेगा, वो कभी करेगा नहीं।
इसलिए ऐसे नहीं, देखो अक्सर करके सास बहू में लड़ाई है पहले से, इसलिए सास को बहू को ये समझनी चाहिए, बहू नहीं अपना बहू का अपना बेटी मान, बहू मत मान। और जो बहू सास को सास नहीं माने, क्या माने, ये माँ बाप। अगर इतना कर लो ना, फिर संसार नहीं, ये सोने की स्वाद, सोने की संसार। इसलिए अगर इतना करनी चाहिए, और एक चीज समझो, जो सास ससुर की सेवा करेगी ना, जैसे आपका तीन बेटे हैं, जो तीन बेटे में जो बहू ज्यादा सास ससुर की सेवा करेगी, जब तीनों भाइयों में बंटवारा होगी घर के सोने चांदी किसको पास में रहता है, सास ससुर के पास में। देखना जो बहू ज्यादा सेवा करेगी वो क्या करेगी, सास ससुर बंटवारा होने से पहले वहां से कुछ उठा करके उसको दे देगी, बोले बेटी तू इसको छुपा करके रखी, तू ले ले, तो लाभ है कि नहीं बताओ। इसलिए सास ससुर की सेवा करने का लाभ भी और पिता माता की सेवा करने का भी लाभ है। इसलिए जो व्यक्ति पिता माता की सेवा करता है, शास्त्र कहता है इसको चार चीज की प्राप्ति होगी, बल पौरस श्री और जस, ये चार चीज उसको प्राप्त होती है। इसलिए भगवान राम इसलिए सवेरे उठकर क्या करते थे, बोले प्रात उठ ही रघुनाथा और नाथ पीत गुरु नमः माता। भगवान सवेरे उठकर सबसे पहले पिता माता की चरण छूते थे, और जब दशरथ महाराज सहन करते थे भगवान स्वयं पिताजी की चरण सेवा करते थे। आप लोग बताओ तो सही सही बताना, सवेरे उठ करके कौन पिता माता की चरण छूते हैं, बोला हाथ उठा कौन सास ससुर की और पिता माता की कौन चरण छूते हैं। अगर नहीं छूते हो ना, कम से कम भागवत कथा सुने, कम से कम इतना तो शिक्षा लेकर के जाओ, सवेरे उठ करके क्या करो, सास ससुर और पिता माता की चरण छो, उनका आशीर्वाद से ही। कभी इनकी आशीर्वाद में इतनी शक्ति है, कभी अगर हमारा ललाट में कोई उल्टा पुल्टा लिखा हुआ हो ना, वो भी मिट जाती है पिता माता की सेवा करने पर। इसलिए सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छोनी चाहिए, उनकी आदर करनी चाहिए। और विशेष करके देखो, एक समय मैं पहले एक बार बताया था और एक बार बता देता हूँ, एक समय हमारी जो बड़ी गुरु जी उनका जो तस्वीर है, किसने आकर के बोले गुरुदेव महाराज जी बच्चे मेरे बात नहीं सुनते, बच्चे बड़े उद्दंड हैं बात नहीं सुनते, सब उल्टा पुल्टा करते हैं। हमारे बड़े गुरु जी ने कहा, देख बेटा कभी रामायण पढ़े हो, बच्चों को रामायण पढ़ाते हो, बोले नहीं, बोले जब तक तू रामायण नहीं पढ़ोगे बच्चों को ना रामायण नहीं पढ़ोगे, फिर तो इसका सजा तो तेरे को ही भोगना है, क्योंकि अगर तुम रामायण पढ़ते, अगर बच्चों को रामायण पढ़ाते, वहां पर लिखा हुआ है ठाकुर जी सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूते थे, पिता माता की सेवा करते थे, रामायण पढ़ते तो अपने आप शिक्षा मिल गया। भगवान राम पिताजी की सेवा करने के लिए हैं, उसने क्या किया, 14 साल के लिए वनवास ठाकुर जी गए, 14 साल के लिए, फिर सौतली माँ अपनी माँ नहीं, सौतली माँ की वाक्य रक्षा करने के लिए। और भरत ने राज सिंहासन पाने पर भी भैया नहीं, भगवान के चरण की पादुका को पूजा की। इसलिए जो रामायण है ना, अभी मुस्लिम कंट्री ये लोग हमारा भारत से, आपने सुने होंगे कि मुरारी बाबा, मुरारी है मुरारी बापू, अभी इनको इन लोग बुला बुला करके रामायण सुनते हैं, बोले क्यों, बोले हमारा बेटा बहू बेटी बहू सती बन करके रहे, बोले क्यों, बोले एक स्त्री कभी एक दिन बाहर जाकर के कहीं रुक गई, दूसरे दिन आई तो उसको धोबी ने घर में रहने नहीं दी। इसलिए भगवान को आदर्श को शिक्षा देने के लिए सीता को उन्होंने त्याग दिया। इसलिए मुसलमान का देश का लोग अभी रामायण का आदर करते हैं, भाई भाई में प्रीति रहे, पिता माता को आदर कर, इतने आदर्श ग्रंथ ये रामायण ग्रंथ है। लेकिन हम तो बच्चों को स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं, लेकिन बोलते भी तो गीता के कोई श्लोक पर, रामायण पर, भागवत पढ़ो, अगर ग्रंथ होगा ना उसको बांध बूंध करके ऊपर कहीं रखेंगे, और जितने उल्टा पुलटा हीरो हीरोइन का पिक्चर घर में इधर उधर चार तरफ में हीरो हीरोइन का पिक्चर लगा हुआ, भैया जो चरित्र भ्रष्ट व्यक्ति है, और फिर कोई कोई बच्चे तो पकेट में कोई हीरो हीरोइन का पकेट में अपना उसको उसका तस्वीर रखते हैं, अरे कोई आदर्श व्यक्ति का तस्वीर रखो ना, जो देशभक्ति की है भगवान की भक्ति की है, उनका तो फट रखो, चरित्र भ्रष्ट का फट रखोगे तो तुम्हारे अंदर में कौन सा आदर्श आएगा।
इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे भैया अगर आप चाहते हो बच्चे आपकी बात सुने रामायण पढ़ो और बच्चों को रामायण पढ़ाओ, हरि नाम करो और बच्चों को भी बोलो हरि नाम करें, क्योंकि पहला गुरु पिता माता है, पहला गुरु पिता माता, संस्कार सबसे पहले पिता माता के संस्कार करती है। अगर आप भक्ति करोगे आप लोग भी बच्चे भी भक्ति करेंगे। जैसे देखो ये कथा में जैसे हमारे सुचित्रा दीदी को देखो, इन्होंने देखो इन्होंने भक्ति करते हैं। अभी धीरे धीरे इनका जो छोटा बेटा है पहले इन्होंने भक्ति किया, फिर माँ को ले आए, फिर मैया ले आए, तो फिर उन्होंने बच्चों को भी ले आए, धीरे धीरे पति को भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। चलो हम सबके साथ उल्टा उल्टा चीज खाएंगे नहीं, भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए उन्होंने आए तो पूरा उन्होंने पूरा परिवार को, एक बच्चा आया तो पूरा परिवार को लेकर के आ गया, पूरा परिवार को उन्होंने भजन में लगा दिया। इसलिए भागवत में बताया वंश में जब एक बेटा प्रभु का भजन करे, ये भगवान स्वयं कहते हैं बोले कुलम पवित्रम, उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाती है। जननी वो माँ का नाम लेते हैं, जिस माँ ने गर्भ में उसी बच्चे को उन्होंने गर्भ में धारण किया, बोले माँ की गर्भ धारण सार्थक हो जाती है। पिता माता भगवत धाम में चले जाते हैं, नृत्यंति स्वर्ग पितरी पितरिसा, जो पूर्वज लोग पहले चले गए वो नाचना शुरू कर देते हैं। हमारे अहो भाग्य है हमारे वंश में भक्ति करने वाले आएगा। देखो आपको पता होगा एक पितर दोष, नाम सुनेंगे पितर दोष, अगर आपका पूर्वज लोग अगर शांति सुख में नहीं, आप देखना एक दोष होता है, भले ही आपका घर में जितने रुपया पैसा क्यों नहीं हो तुम्हारी घर में शांति सुख नहीं है, क्योंकि चूंकि वो संतुष्ट नहीं है। वो संतुष्ट कब होते हैं, भागवत कहता है जब आप भक्ति करोगे तभी उनको मुक्ति होती है, नहीं तो उधार नहीं होते। इसलिए वो देखते रहते हैं वंश में कब ऐसे बेटा हो जो प्रभु की भक्ति करे और हमारे उद्धार हो, कि भगवान खुद कहते हैं बोले वसुंधरा वसतिश्च धन्या, जिस पृथ्वी को ऊपर वो बच्चा जन्म ग्रहण करता है वो वसुंधरा भी धन्य हो जाती है। एक अगर बेटा प्रभु की भजन में लग जाए उसकी इतनी सौभाग्य इतना पुण्य है। अगर बच्चे भजन में नहीं करेंगे, बच्चे अगर गलत रास्ता पर चले गए कहते तो उसका पाप भी, ये पिता माता को पाप भी भोगना पड़ेगा। इसलिए पहले मैंने बताया था कोई अगर योगी स्वर्ग में पहुंचा, एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, सोने के सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरिया उसको सेवा कर रही थी लेकिन वो रो रहा था, वो दुखी हो रहा था, बोले भैया तुमने इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आया यहाँ पर क्यों रो रहे हो, बोले मेरे से नहीं गलती हो गई, बोले क्या गलती हो गई, बोले बच्चों को मैंने सद्मार्ग नहीं दिखाया, मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था बच्चे उससे शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, चुके पैसा को मैंने छोड़ करके आया था वो मेरा पैसा को गलत रास्ता पर लगा रहे हैं, उसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ना। इतने ही कर्म का जो रास्ता बड़ी इतनी गहना गति, इसलिए आप लोग कम से कम भागवत से कुछ लेकर के जाओ, क्या करो स्वयं पहले हरिनाम करो, भगवान की भक्ति करो, गंदी चीज को छोड़ो, और घर में ये नियम बनाओ, बच्चों को भी बोला भैया तुम भी एक माला करो, 5 मिनट कम से कम 10 मिनट भगवान के लिए दिया करो, ठाकुर के लिए 10 मिनट दो। अगर जो बच्चा देखना हरिनाम करेगा ना वो 100% पिता माता की सेवा करेगा, पिता माता की आदेश पालन करेगा, सेवा करेगा, बड़ों को आदर देगा जो भगवान की भजन करेगा है, और वो बच्चा पढ़ाई में भी बढ़िया बनेगा, अच्छा पढ़ाई करेगा, 5 मिनट 10 मिनट हरिनाम करना उसका जो माइंड एकदम स्थिर हो जाएगा, उल्टा पुल्टा काम में उसकी बुद्धि नहीं जाएगी, ठीक है। इसलिए सबके सब क्या करना, भजन करो और बच्चों को भी भक्ति मार्ग में, बच्चों को भी भक्ति मार्ग में चलाओ, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्णा कोई बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे हरे, और एक बार जोर कर बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो आपकी कथा में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो भजन करते हैं, देखो आपको खड़े करके दिखाता हूँ, खड़े हो जाते हैं। देखो एक छोटे बच्चा, देखो उधर घूम कर, देखो छोटे बच्चे की देखो पढ़ाई कर रहा है, देखो गले में हरिनाम की माला है, देखो तिलक लगाया हुआ गले में, देखो तुलसी पट्टी बैठी है, और यहाँ पर एक बेटी बैठी है, तुम खड़े हो जाए। हाँ देखो ये उधर घूम कर, देखो इसका देखो तिलक लगा कर बैठी है, गले में इसकी तुलसी कट्टी है, इसकी माँ भी यहाँ पर बैठी है, इनका भैया, इनका पूरा परिवार, इनकी पूरा परिवार भगवान की भक्ति करते हैं। और अगर इनको पूछोगे ना, आपको पता चलेगा संसार में कितने शांति, कितने सुख और कितने आनंद में प्रभु की भजन करते हैं। इसलिए आप लोग भी कोशिश करो, आपका बच्चों को भी भजन रास्ता में लगाओ और बच्चे भी भजन करें। शास्त्र में बताया जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा पाठ हो ना, वो घर नहीं वही गोलक वृंदावन, वही गोलक वृंदावन बन जाएगा। अगर भक्ति नहीं करेंगे फिर बच्चे लोग उल्टा पुल्टा चीज खाएंगे, उल्टा पुल्टा चीज करेंगे, फिर तो घर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए भजन करो और स्मरण करो। माता जी मैंने बोला था नाम लिख करके देने के लिए, लिखे हो नाम को देखो। हाँ देखो अभी भगवान कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगा, उसके बाद में आप लोग फिर प्रसाद लेकर के जाना, आप उनका नाम लिख करके देना फटाफट कहाँ है। हाँ देखो अभी भागवत अभी विश्राम का तरफ में जा रहे हैं, हम लोगों ने 7 दिन तक ही भागवत कथा सुनी। नियम है कथा सुनने का बाद कुछ लो और कुछ दो, बोले क्या लेंगे और क्या देंगे, बोले जितने गंदी चीज को दे जाओ, कहते लेंगे क्या, बोले जितने अच्छी चीज को लो, अच्छी चीज को लो और गंदी चीज को दे दो, बोले गंदी चीज किया। हम पहले सुन करके आए श्री परीक्षित महाराज कली को 4 जगह पर स्थान दिया है। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए, इसलिए स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने दिखाया, देखो मैंने ये जुआ खेला तो मेरे कितने सत्यानाश हो गया, राज्य गया, भाइयों को खोई, पत्नी को घरी सभा में वस्त्र हरण देखना पड़ा, और 12 साल तक जंगल में हम भटके, और 1 साल तक विराट राज्य में हमने दास बनना। अगर जो जुआ खेलेगा, जुआ खेल कर कोई बड़े लोग नहीं हुए, और जितने अगर पैसा मिला फिर उसको भी फिर खो जाता है, इसलिए एक जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण है सत्य, जो जुआ खेलते हैं कोई सच नहीं बोल सकते, इसलिए वहां पर सत्य खत्म हो जाती है। दूसरा नंबर है किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु मत लो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। नशा हो तो एक ही नशा हो, प्रभु की प्रेम की नशा, ठाकुर की भक्ति की नशा हो, जो नशा में अगर एक बार डूबोगे तो वह जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए ये नस्ली वस्तु को नहीं लेना। और शराब तो लेनी नहीं चाहिए, पहले मैंने बताया था ना शराब पीने पर 3 लाभ है, क्या 3 लाभ है, पहला लाभ जो शराब पिएगा वो बुरा नहीं लगेगा, दूसरा लाभ घर में चोरी नहीं होगी, और तीसरा लाभ कुत्ते दोस्त बन जाएंगे। बोले मतलब क्या है, बूढ़ा कब बनने का कोई चिंता हो तो वो तो बूढ़ा रख पाएगा, वो तो पी पी करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगा, फिर बूढ़ा बनेगा कब। दूसरा लाभ घर में चोरी नहीं होगी, बोले चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तब तो चोरी होगी, वो तो बेच बाज कर पी पा कर खत्म कर देगा, पर चोरी कहाँ से होगी। तीसरा लाल है कहते कुत्ते दोस्त बन जाएंगे, बोले कहाँ पी पा कर पड़ा रहेगा फिर कुत्ते आकर के मुंह धो जाएगा, इसलिए ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अभी ऐसे युग आ गया, अगर शादियों में घर में कोई फंक्शन हो ना, अगर शराब अगर दारू उनको मांस मत खिलाओ, बोले भैया ये कौन सा शादी है, तुमने दारू नहीं खिलाई थी, तुमने मांस ही नहीं खिलाए। देखो एक संत कह रहे हैं जैसे शादी हो रही है, नहीं जब बच्चे का बर्थ डे बना रहे हो, संत कह रहे हैं कि जिस बच्चे के उद्देश्य में तुमने इतने बोतल उतरवाया और इतने जानवर को तुमने वध किया मरवाया, वो बच्चे का जो जन्म तिथि में जो दे रहे हो वो बच्चे का कल्याण कभी होगा, इतने पाप कर्म करोगे। तो संत कह रहे थे अगर वो 100 साल का बच्चा होगा ना उसी दिन 50 साल में आ जाएगा,
क्यों? जिसकी उद्देश्य में तुमने इतने पाप तुमने करवाए, इसलिए ये सब चीज से दूर रहनी चाहिए। पवित्र रूप में हर चीज को भगवान को भोग लगाकर खिलाओ, हमारे भी कल्याण और तुमको भी कल्याण है। इसी तरह किसी नस्ली वस्तु को ग्रहण मत करो। तीसरा नंबर है, अवैध रूप में स्त्री संग नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या? बोले संसार करो अच्छी बात है, शादी करके अपना पत्नी को साथ में ही अपना गृहस्थ लगाओ। ऐसे नहीं शादी के बगैर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करके घूम रहे हो। शास्त्र इसको एकदम इनकार किया है, इसलिए जिसने पवित्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए जो चौथा नंबर जो है कहती है जीव हिंसा। जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा, प्याज, लहसुन, ये सब नहीं खानी चाहिए। इसलिए इसका नाम मांस, ये संस्कृत शब्द है। मांग मतलब होता है मुझको, सह मतलब होता है वह, मतलब अभी हम जिसको खा रहे हैं बाद में हमें जो खाएगा, इसलिए उसका नाम मांस है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोले मीट मतलब क्या? मी ईट मतलब मी मतलब मुझे, ईट मतलब खाना, ईट मी बाद में हम जिसको खा रहे हैं बाद में हमें जो फिर खाएगा, इसलिए उसको हर भाषा में देखना एक ही शब्द आएगा, जिसको खा रहे हो बाद में फिर तुम्हें वही खाएगा। इसलिए भागवत में कथा ही है, कोई एक राजा था जिसका नाम था सुरत, वो यज्ञ में पशु वध करता था। एक दिन नारद जी मिले, बोले ये क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ में पशु बलि दे रहा हूं। बोले इसका परिणाम तेरे को क्या पता? बोले क्या है? बोले देख ले। तो उन्होंने कमंडल से पानी लेकर के उनकी सर पर छिड़काव करवाया, करते ही उसका शरीर ही छूट गया। देखा जमदूत उसको ले जा रहे पकड़ करके, और जितने जानवर वो उसने काट करके खाया था सब तलवार लेकर के लाइन से ऐसे खड़े हुए। उसने पूछा भैया तुम कौन हो? बोले तुम्हारी याद है पहले हमने खाया था, इसलिए हम प्रतिशोध लेने के लिए खड़े हैं। तो देख बाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है, उसको टुकड़े टुकड़े कर काट रहे थे, चित्कार कर रहा था छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ नहीं रहे थे। इतने में नारद जी फिर पानी जब छिड़काव किया, जिंदा होकर थर-थर कांप रहा था। बोले तुमने क्या देखा? बोले मैं तो सोच रहा था मैं खा लिया हो गया, मैंने देखा जितने जानवर खाए थे सब मेरे को काट रहे थे, कोई छोड़ नहीं रहे थे। बोले देख बेटा कर्म का फल किसको नहीं छोड़ता है, हम जैसे कर्म करेंगे कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए बोले जीव हिंसा में त्याग दे करके शुद्ध रूप में बना करके ठाकुर को भोग लगा कर खाओ। कहते ना जैसे खाओगे अर्जुना वैसे बनेगा। शुद्ध आहार करके शुद्ध मन होगा, शुद्ध रूप में भगवान की हम भक्ति कर सकते हैं। कहते ये चार चीज को छोड़नी चाहिए। बोले चार चीज लेनी चाहिए। बोले चार चीज क्या लेनी चाहिए? बोले कथा में भागवत का जो सार है वो ठाकुर जी का नाम है। जब ये भागवत प्रारंभ होती है वो ठाकुर जी का नाम से ही प्रारंभ हुई, और भागवत जब समाप्त हुई वो ठाकुर जी का नाम नहीं समाप्त हुई। इसलिए भागवत का जो अंतिम श्लोक है, आप लोग मेरे साथ साथ में बोलो, ये भागवत का एकदम लास्ट श्लोक है। ये श्लोक पढ़ने पर पूरी भागवत का जो फल हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अंतिम श्लोक यही श्लोक है। आप लोग हमारे पीछे पीछे बोलो, बोले नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख शमनम, प्रणाम दुख शमनम, स्तम नमामि हरि परम, स्तम नमामि हरि परम। हरि हरि बोले नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख शमनम, प्रणाम दुख शमनम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम। ये श्लोक का मतलब होता है भगवान का नाम लेने से जीवन का जितने पाप नष्ट हो जाता है। आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुना होंगे, ये पहले दशरथना कर था। जब नारद से बोले मिले, बोले भैया बोलो राम
बोला बोला, लेकिन वो इतना पापी था उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकता, बोला इतना तो बोल सकता, इसलिए उसने मरा 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 बोला, देखना अपने आप राम राम हो जाता है। इसलिए बोले उल्टा नाम जपत जगे जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। उसने को बोले उल्टा नाम लेते लेते कहा दशरथ ना कर से वो वाल्मीकि हो गए और भगवान राम आने से पहले रामायण लिख लिया। बोले ठाकुर को नाम में इतने शक्ति है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम ना सकई नाम गुण गाई। भगवान भी अपना नाम की महिमा ठाकुर भी नहीं बता सकता है। तीसरा वो कहते हैं, पहले मैंने बताया ना जैसे गेहूं का बीज नहीं तो धान हो देखना खेती में ऐसे लेकर खेती में फेंक देते हैं, भले ही वो उल्टा गिरे जैसे गिरे लेकिन जो पेड़ होता है कैसा होता है वो सीधा निकलेगा। कहते ठाकुर का नाम अगर किसी तरह से ठाकुर का नाम अगर जप करेंगे वो सीधा फल देगा, कभी उल्टा फल नहीं देगा। किसी तरह से जैसे अजामिया ने बेटा का नाम नारायण रख लिया, नारायण बोलते बोलते उसको उद्धार हो गया, केवल बेटे को बोलते बोलते उद्धार हो गई। इसलिए भागवत का जो सार है ठाकुर जी का नाम है। हम लोग ने 7 दिन की कथा सुनी, कितना दिन की कथा सुनी? 7 दिन। बोले 7 दिन की कथा सुना, देखो इसकी एक छोटी सी कथा है, ये 7 दिन की है। बोले एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में आए, अभी राजा से मिलना चाहते हैं, वहां पर दरबार था। बोले अंदर में राजा है क्या? बोले है। बोले राजा को बोलो कोई साधु आए, एक मिनट कोई जरूरी काम मिलना चाहते हैं। राजा ने सोचा संत क्यों आते हैं, वो कुछ भिक्षा लेने आए होंगे। तब उन्होंने 101 रुपया भेजी। संत ने बोले पैसा लेने नहीं आया, कोई जरूरी काम में आया। उन्होंने 5 रुपया भेजे, 1000 रुपया भेजे, लेकिन वो संत लिए ही नहीं। बोले मैं तो मिलने के लिए आया हूँ, कोई काम है? बोले मेरे पास में कोई समय नहीं संत से मिलने के लिए। संत दुखी होकर के रानी के पास में गए, वहां पर कोई दासी थी, तो वहां पर उन्होंने चौकीदार को बोले, बोले रानी क्या है? बोले है। बोले बोलो कोई साधु एक मिनट कोई जरूरी काम लेकर के आए। रानी सुनते ही बड़ी खुश हो गई, संत आए। बोले अंदर में बिल्ला बिल्ला बैठा है। बोले बाबा क्या सेवा करे? बोले महारानी आप ध्यान देकर के सुना, मैं तो कोई जरूरी काम लेकर के राजा से बोलने आया लेकिन राजा मिले ही नहीं। बोले मेरे को बोलो मैं ही सेवा कर दूंगी। बोले महारानी ध्यान देकर के सुना, मैं भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से मैंने देखा है ये जो राजा है ना ये 7 दिन में मरने वाला है। मैंने सोचा इतना तो राजा को बता करके आ जाओ, लेकिन राजा अगर हम बात ही नहीं सुने। रानी तो घबरा गई, क्यों अभी अभी नहीं शादी हुई, घर में अभी रानी बन करके आई, अब कुछ दिन पहले राज्याभिषेक हुई, अगर कोई बोले तुम्हारी पति राजा 7 दिन में मर जाएगा फिर बताओ क्या होगा, तुम्हें घबरा गई। संत ने कहा देखो रानी मैं बोल कर जा रहा हूँ राजा को ये बात बता देना। रानी घबराते हुए राजा के पास में एक दूत को भेजे, बोले अभी अभी राजा को बोलो रानी बुला रही है कोई जरूरी काम। राजा सुनते ही भागते भागते आए। देखो संत बिगड़ाते हुए चले गए, एक मिनट समय नहीं हुआ, लेकिन जब सुना रानी बुला रही है सारे काम को छोड़ते हुए आए। बोले रानी ऐसे कौन सा काम पड़ गया इतना जल्दी, अभी अभी तो मैं ना अभी समय गया था। बोले आपके पास में कोई संत मिलने आए थे? बोले हाँ। बोले आप उनसे मिले? बोले मैं तो राज कार्य में बिजी था। बोले महाराज घर में जब कोई संत आए हैं वो ठाकुर का जब कृपा होना, शंकर जी कहते अति हरी कृपा जा पर होई पाप देही यह संगत सोई। शंकर जी कहते पार्वती जब भगवान की कोई विशेष कृपा होती है तब जीवन में कोई शुद्ध साधु दर्शन होता है। कोई संत आए तो समय नहीं, मैंने बुलाया भक्त भक्त आ गए। अरे बताओ तो काम क्या? बोले काम तो बड़े जरूरी काम है। बोले क्या है? बोले वो संत बता करके गए आप 7 दिन में मरने वाले हो। उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से भजन करते करते देखा, राजा तो सुनते घबरा गए, शायद राज्यपाट छोड़कर 7 दिन में मरना पड़ेगा। बोले उस संत गए था, बोले अभी अभी गए। बोले उन्होंने एक व्यक्ति को बोले, बोले जल्दी जल्दी बाबा को स्वागत करके ले आ। फिर जब स्वागत करके लाए चरण में गिर पड़े, बोले बाबा आप तो कोई जरूरी काम लेकर के आए थे, मैंने बात ही नहीं किया, आपने बताया 7 दिन में मरने वाला हूँ। बोले हाँ महाराज। बोले ये क्या सच है? बोले ध्रुव सत्य है, आपको 7 दिन में मरने वाले हैं।
वो घबराएगा, बोले कोई चिंता मत करो, आपने बहुत दान पुण्य किए हो इसलिए आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन वहां पर एक कमी है। बोले क्या कमी है? बोले वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर रहते हैं, जब आप सोने के लिए जाओगे ना वो मच्छर आपको सोने नहीं देके काटते रहेंगे। बोले फिर बोले चिंता मत करो, वहां मच्छरदान का व्यवस्था है। लेकिन एक चीज की कमी है। बोले किस चीज की? बोले मच्छरदान के कोने में एक छोटा सा छेद है, उधर से मच्छर घुसने का चांस। बोले फिर, बोले फिर क्या? जब जाओ ना साथ में एक सुई और एक धागा साथ में ले जाना और उसको सिलाई कर दोगे तो आराम से सोओगे। बोले बाबा आप कहते हो मरते समय सुई धागा लेकर के जाने के लिए? बोले हाँ। बोले मरते समय तो यहीं पर जला देंगे, फिर उस सुई धागा कहीं से लेकर के जाऊंगा? बोले क्यों? इतना बड़ा तेरे राजत्व है, कोई संत मिलने के लिए आए, तुम्हारे पास में एक मिनट भी फुर्सत नहीं, जिस राज्य से एक सुई धागा भी लेकर के नहीं जा सकते। बोले कैसे ले जाएंगे? संत ने कहा महाराज आपको मैंने इतनी सी बात बताने के लिए आया, जिस राज्य में आप इतने बिजी हो शरीर छोड़ते समय एक सुई धागा भी साथ में नहीं जाएगा। बोले ये बताओ जब शरीर छूट जाती है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, आप बताओ क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, सब कोई बात होता है, यही बोलते हैं ना बेटा। जितने राम कृष्ण का नाम लिया वही जा रहे हैं, और तुमने जो कुछ किया झूठा में बिताया, झूठे में बिताया कि सुई धागा में नहीं जाएगा। बोले महाराज मैंने आपको इतनी सी बात आपको समझाने के लिए आए थे, आप कान खोल कर सुनो, आप लोग भी ध्यान दे कर सुनो। उन्होंने जो बोले थे सात दिन में मरने वाले, उसमें एक रहस्य है। बोले महाराज मैंने आपको ये बताया था सात दिनों में मरने वाले, मैंने ये नहीं बताया था सात दिन बाद में मर जाओगे, सात दिन बाद में मरोगे ये नहीं बात बताया। क्या बताया था? सात दिनों में मरोगे, ये दिन सात ही है, ये दिन आठ होता है, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये दिन सात ही है, ये दिन महाराज आठ नहीं। लेकिन आप जब मरोगे ये सात दिन में एक ना एक दिन मरोगे, शरीर छोड़ोगे, सात दिन के बाद में नहीं मरोगे। जब ये समझा है ना दो बार जिंदा हो गया, पहले तो आधा ही मर गया था, आधा ही मर गया था सुन करके, अभी पूरा जैसे उसको प्राण आ गई, पूरा प्राण आ गया। फिर उन्होंने संत ने कहा महाराज अंतिम समय में केवल प्रभु नाम ही जाएगा, इसलिए जीरा कहती है पायो जमीने राम रतन धन पायो, राजा का पूर्ण ज्ञान हो गया, पूर्ण ज्ञान हो गया। तब इतने में वो जो संत है ना हमारे तरफ में देखो, वो राजा को ऐसे एक माला और झोली पकड़ पकड़ी, बोले महाराज यही धन ही अंतिम समय में जाने वाले, इसलिए कबीर कहते हैं कबीर कहते हैं जग में सबके सब मरने के लिए डरते हैं। बोले क्यों डरते हैं मरने के लिए? कारण है भजन नहीं किया, प्रभु का नाम जप नहीं किया, और मरने का बाद नर्क जाना पड़ेगा इसलिए डरते हैं। लेकिन कबीर जी कहते भैया मैं तो खुश हूँ मरने के लिए। बोले क्यों? बोले जिंदगी भर प्रभु का भजन किया, भक्ति किया है, मेरे को पता है मरने का बाद मेरे लिए वीआईपी व्यवस्था होगी, इसलिए मेरे लिए कोई चिंता नहीं, इसलिए क्यों प्रभु के मैंने भजन किया। देखो हमारे गुरु जी एक अच्छी बात कहते थे, आप भी ध्यान देकर सुनो, आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, मैं देखता हूं कौन ये प्रश्न का उत्तर देगा। जैसे आप वृंदावन जाओगे, आप बताओ वृंदावन यहाँ से कितना दूर है, कितने घंटा की रास्ता वृंदावन है? तीन चार घंटा का रास्ता है। मान आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, जैसे आप दो तीन दिन के लिए वृंदावन जा रहे हो, वहां पर रुक करके वृंदावन में रहोगे, दर्शन करके दो तीन दिन के लिए जा रहे हो, यहाँ से तीन चार घंटे का रास्ता है। आपसे प्रश्न जी, आपको पास में ऐसे कौन सा चीज हो, आप जब यात्रा करोगे बड़ी खुश होकर यात्रा करोगे, बड़ी प्रसन्न होकर यात्रा करोगे, ऐसे कौन सा चीज हो? और ऐसे कौन सा चीज हो अगर आपके पास में नहीं हो ना, आप यहाँ रो रो कर घर से यात्रा करना पड़ेगा, बताओ तो ऐसे कौन सा चीज है? कौन बोलेगा हाथ उठा, कौन बोलेगा हाथ उठा? ऐसे कौन सा चीज आपके पास में हो, बड़े खुश होकर तीन दिन के लिए यात्रा करोगे, ऐसे कौन सा चीज नहीं हो अगर जाओगे तो बिलबिलाते हुए दुखी होकर के जाओगे, ऐसे कौन सा चीज? कौन बोलेगा हाथ उठा, कौन बोल रहे?
पैसा है। अगर आपकी पॉकेट गर्म है, पास में पैसा है, आनंद पूर्वक जाओगे। क्यों? पैसा है ना, कुछ नहीं तुम्हारे पास में, कपड़ा फपड़ा कुछ नहीं, लेकिन एक पैसा है। बढ़िया से बढ़िया होटल में रहेंगे, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पहनेंगे, खुश होकर के जाओगे। लेकिन अगर एक पैसा नहीं हो तो यात्रा शुरू होगा, बिलबिलाते हुए कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, एक भी पैसा नहीं। देखो हमारे गुरु जी कहते हैं, भैया तुम 3 घंटा 4 घंटा का रास्ता, केवल 3-4 दिन के लिए यात्रा कर रहे हो, पहले सोचते हो पास में कितने पैसा है। लेकिन एक दिन ऐसे के यात्रा करना पड़ेगा सबको, जिसकी सभी की यात्रा एक दिन करना पड़ेगा। वो जो यात्रा हमारी अंतिम यात्रा होगी, और वो यात्रा कब करना पड़ेगा कोई बता नहीं सकते, वो यात्रा हमें कब करनी पड़ जाएगी कोई नहीं बता सकते। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, भैया ऐसे कौन सा धन हो जो कि अच्छी तरह से यात्रा करोगे? कहती है भगवान की नाम धन है, प्रभु की नाम धन अगर हमारे पास में होना। इसलिए कबीर जी कहते हैं, मैंने जिंदगी भर प्रभु का भजन किया, इसलिए मरने में मेरे को आनंद लग रहा है। क्यों? कब मरियो कभी भेटियो परमानंद, प्रभु का भजन किया इसलिए। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, एक धन अंतिम समय में काम में आएगा। इसलिए उसको 7 दिन कथा, इसलिए ये 7 दिन कथा है। 7 दिन में हम जो कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते, 7 दिन कथा सुनो तो सारे हमारे पाप नष्ट हो जाएगी, और भगवान की संपत्ति है हमारे साथ में, भगवान की संपत्ति जाने वाले। बोल श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोल श्री सच्ची नंदन गौर हरि की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और एक चीज लेना, एकादशी व्रत जरूर करना। आप लोग एकादशी करते हो? कौन कौन एकादशी व्रत रखते हैं, हाथ उठा उठा। कौन कौन एकादशी व्रत रखते हैं? कुछ भक्त लोग करते, बहुत अच्छी बात है। देखो ये भागवत में और कोई व्रत का नाम नहीं है, केवल भागवत में एकादशी का व्रत कथा है। कोई सोम कोई मंगल कोई करते, लेकिन भागवत में केवल एकादशी का व्रत। एकादशी का अधिष्ठात्री देवता स्वयं वाक्य दिया गया, राधा और कृष्ण है। जैसे दूसरे दूसरे व्रत है दूसरे दूसरे देवादेवी के लिए, लेकिन एकादशी व्रत श्री ठाकुर जी के लिए है। इसलिए एकादशी व्रत को बताया, ये कल्पतरु व्रत है। कल्पतरु मतलब 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। जो कुछ आप एकादशी व्रत करके मांगोगे ना, सब इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए ये जो एकादशी, एक एकादशी का नाम पुत्रदा। बोले क्यों? पहले सुना ना, नंद बाबा का पहले व्रत बेटा नहीं था, उन्होंने सब व्रत किए थे, लेकिन जब एकादशी व्रत किए इसलिए वो व्रत का नाम पुत्रदा एकादशी, उनको कृष्ण जन्म। अगर किसी संतान जन्म नहीं हो रहा है, पुत्र जन्म नहीं, आप एकादशी व्रत करो, पुत्र एकादशी, पुत्र जन्म लेगा। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब धनलक्ष्मी। जो एकादशी व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, जिसको करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक एकादशी का नाम विजया, वो एकादशी व्रत करो हर तरह से आपको विजय विजय प्राप्ति होती है। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से संसार से जन्म मृत्यु से जीव को मुक्ति मिल जाती है। एक एकादशी का नाम है पाप मोचनी, सारे पाप जिसमें खत्म हो जाती है। देखना हर एकादशी का एक अलग 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 फल है, एक ही फल नहीं, सबका सभी का अलग अलग फल है। देखो हम लोग भारतीय लोग हैं, आप देखना जब कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ होता, प्राण नहीं जा रहा है, सालों सालों से पड़ा हुआ, अगर किसी पंडित का बुलाओ, भैया जल्दी जल्दी इनको मुक्ति कैसे मिलेगी? अब पता है कौन सा व्रत करने के लिए बताएगा? बोलेगा एकादशी व्रत करके आप उसको फल दो, जल्दी से जल्दी पाप नष्ट हो जाएगी। एकादशी व्रत। देखो अभी मैं यूरोप गया था, कुछ दिन पहले यूरोप गया था। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में 2 साल तक भर्ती था, शरीर केवल हड्डी हड्डी रह गया था, उसको प्राण गला में अटक गया था, प्राण नहीं जा रहा था, और इतने पैसा उसको पीछे खर्चा हो रहा था, इतने पैसा। जब मैंने यूरोप गया, वहाँ पर हलान नाम है, हाँ वो रोटर डॉक, वहाँ जब गए उनको पता चला भैया भारत से कोई साधु आया है। वो सुनते हुए मेरे को हॉस्पिटल में लेकर गए, पूरा उनका परिवार आया। बोले बाबा
ये दो साल से इस बिस्तर पे पड़ी हुई, किसी में टाटी पेशाब कर रहे, प्राण नहीं जा रहा, हम इतने दुखी परिवार, आप बताओ कि मुक्ति कैसे जल्दी होगी। मैंने कहा एक काम करो, आप लोग एकादशी व्रत करके इसका फल इनको दे दो। बोले बाबा और 10 दिन बाकी है, लेकिन इनको दुख नहीं देखा जाता और इतने पैसा खर्चा हो रहा। मैंने कहा पूरा परिवार संकल्प करो, हम अकेली जो एकादशी का व्रत करके इसका फल हम देंगे। उनके हाथ में पानी फूल दे करके मैंने संकल्प कराया। बोले बोलो हम सबके सब इसका फल देंगे। थोड़ी देर बाद में कसरी छोड़ी, थोड़ी देर बाद में वृंदावन में एक समय कोई ट्रक से कोई एक गैया की एक्सीडेंट हो गई, उसको हड्डी पसना टूट गई। अमेरिका में एक हमारे गुरु जी के बड़े गुरु जी का कोई शिष्य आती है, उसने देखा मेन रोड पर में गैया पड़ा हुआ छटपट छटपट कर रहा है, ट्रक से एक्सीडेंट हो गई। तो उसने हमारे बड़े गुरु जी को बोले, बोले गुरुदेव गैया की एक्सीडेंट हो गई छटपट कर रही है, इसकी कल्याण कैसे होगा। गुरुदेव ने कहा तुम जाओ गैया के कान में बोल दो एक एकादशी का व्रत मैं दूंगी। बोलते ही प्राण छूट गए। अब स्वयं देख लेना, कुछ दिन पहले नोएडा में हमने गया था, एक माता जी ऐसे पड़ी हुई थी, हमको बुला करके ले गए। मैंने कहा एकादशी व्रत कर, फिर दूसरे दिन फिर चली चली। आप लोग भी देख लेना, बड़े से बड़े पाप है, कोई दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, किसी तरह से नहीं जाता है। अब एकादशी व्रत करो, ये भगवान कृष्ण की व्रत ये है, एकादशी व्रत करके फल दो, देखना जल्दी से जल्दी उसकी पाप नष्ट हो जाएगी। इसलिए भागवत में कोई व्रत का नाम नहीं है, केवल एकादशी का कथा आती है, जिसको अम्बरीश महाराज और जिसको माँ जसोदा नंद करते थे। लेकिन हमारे भारत में कुछ कुछ लोगों का कहना इसको तो विधवा करते हैं सधवा करते हैं, नहीं। अब भागवत पढ़ करते क्या मैया जसोदा विधवा थी, श्री अम्बरीश महाराज पत्नी का विधवा थी, नहीं। एक सबसे जो बड़ी एकादशी बताओ तो सबसे बड़ी एकादशी कौन सा, निर्जला, पांडवा निर्जला, जिसको पांडव लोग कुंती द्रौपदी को साथ में ये पांडव लोग करते थे, सबसे बड़ी एकादशी। क्या द्रौपदी विधवा थी द्रौपदी, इसलिए सबसे बड़ी एकादशी है। इसलिए ऐसे नहीं कि 8 साल से लेकर 80 साल तक आप एकादशी व्रत को रख सकते हो। देखो और एक चीज को समझो अच्छे तरह से, ये जो एकादशी जो ऋषि मुनियों ने रखा है ना, ये सबके सब साइंस ही है, ये सबके सब साइंस ही है। देखो कैसे साइंस, ये चीज को समझो अच्छी तरह से, क्योंकि अभी सब लोग साइंस ही पढ़ते हैं। अगर कोई साइंस देखकर कोई बात करो ना भैया इसमें कोई कोई दम है, नहीं तो बोले कि सब बेकार है, सब ये सब अर्जुन बेकार से व्रत करते हैं। देखो इसमें क्या साइंस, ये चीज को समझो, कहते ये शरीर एक मशीन है, अगर कोई भी मशीन को आप कंटिन्यू चलाओगे देखना वो मशीन ज्यादा दिन नहीं जाएगी, वो जल्दी खराब हो जाएगी। अगर किसी मशीन को अगर तुम बीच बीच में उसको रेस्ट दे करके चलाओगे ज्यादा दिन काम करेंगे। जैसे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, संडे छुट्टी रहती कि नहीं, संडे छुट्टी रहती है, रहती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं 8 पीरियड 7 पीरियड बीच में एक रिसेस, एक खाली छुट्टी होता है। बोले क्यों, बोले बच्चे खेल कूद कर देना प्रतिभा ब्रेन फ्री हो जाती है, इसलिए संडे का दिन छुट्टी हो जाता है। ये ब्रेन एक मशीन है, उसको रेस्ट मिले तो दूसरे दिन अच्छे तरह से फिर पढ़ाई करना है। इसलिए जैसे नौकरी करते हैं उसमें भी छुट्टी रहती है, उसी तरह ये शरीर भी एक मशीन है। अगर बकरी जैसे दिन भर अगर मुंह चलाते रहेंगे फिर तो ज्यादा दिन ये शरीर काम नहीं करेगा। इसलिए ऋषि मुनि ने कहा देखो कम से कम 15 दिन में एक बार शरीर को रेस्ट दो, दिन भर बकरी जैसे मुंह चलाओ मत, ये शरीर को भी मशीन है। अभी प्रश्न आता है क्यों हम एकादशी का दिन ही क्यों शरीर को रेस्ट दे, बिना खाए पिए क्यों, दूसरे तो व्रत रख सकते हैं। ये चीज समझो, आप लोग सुने होंगे समुद्र में एक हाई टाइड होता है, सुने कि नहीं, हाई टाइड होता है। ये चंद्रमा ये पृथ्वी को खींचती है, ये पृथ्वी चंद्रमा को खींचती है, दोनों दोनों खींचते हैं, लेकिन ये चंद्रमा इतना बड़ा पृथ्वी को तो खींच नहीं सकती। इसलिए आप लोग सुने होंगे समुद्र में हाई टाइड कब होता है, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक ज्यादा पानी उफनती है, बड़ी बड़ी लहरें आती है। बोले क्यों, बोले एकादशी से चंद्रमा बढ़ती है ज्यादा, पूर्णिमा तक देखना बड़ी बड़ी लहरी आती है पूर्णिमा तक, उसको बाद में जब चंद्रमा छोटा हो जाती है फिर पानी धीरे धीरे घटने लग जाती है। इसलिए चंद्रमा ये पानी को खींचती है,
इसलिए हमारे शरीर में भी शरीर पांच चीज से बना हुआ है। कितना चीजों में बताओ तो क्या क्या शरीर में बोलो क्या क्या जोर से बोलो। हाँ ये पंचरचित ही अधम शरीर है, मिट्टी वायु जल आकाश पांच चीजें। आप बताओ सबसे ज्यादा शरीर में क्या है? जल। कितना परसेंट है? कितना? 75% ये शरीर में पानी है। इसलिए पानी शरीर में ज्यादा होने का नाते आप लोग देख ले रहे हैं, जिनकी घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, आप देखना एकादशी का दिन थोड़ा ज्यादा दर्द होगा, द्वादशी का दिन और थोड़ा ज्यादा, पूर्णिमा को इतने दर्द होगा सो नहीं सकते, क्यों? ये चंद्रमा की जो प्रभाव ये पानी के ऊपर पड़ता है। इसलिए आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ देखना एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा बीमारी लोगों को देखोगे। मरते हुए के शमशान में जाओ देखना मरते हुए व्यक्ति देखोगे एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा लोग मरते हुए, ज्यादा खून खराबी देखोगे एकादश से पूर्णिमा तक। बोले क्यों? बोले ये चंद्रमा का प्रभाव ये पानी के ऊपर पड़ने पर शरीर में ये सब तमोगुण प्रकट होता है। इसलिए ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, इसलिए बोले देखो एकादशी का दिन हमने क्या क्या चीज खाने के लिए और क्या नहीं खाने के लिए बताया। बोले एकादशी का दिन अन्न मत खाओ, जैसे चावल गेहूं। बोले क्यों? वो स्पंज होता है, आप चावल खाओ रोटी खाओ इतना थोड़ी देर बाद पानी मांगेगा और जितना शरीर में पानी जाएगा उतना शरीर के ऊपर में बीमारी होगा। इसलिए बोले फल मूल खाओ, आप कोई फल खाओ वो पानी नहीं मांगेगा तो पानी नहीं मांगता। इसलिए ऋषि लोगों ने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, इसलिए बोले कम से कम उस दिन शरीर को थोड़ी विश्राम दो, दोपहर तक कुछ मत खाया करो, नहीं तो शाम तक नहीं खा सकते अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दोपहर तक शरीर को थोड़ी सी रेस्ट दो और उसके बाद में फल मूल आदि खाओ। खाने के लिए कोई मना नहीं, जैसे आलू का सब्जी कुटू का पकड़ी खा सकते हो, फल मूल दूध दही सब कुछ खा सकते हो, लेकिन केवल अन्न नहीं खानी चाहिए। इसलिए बोले पांच तरह का अन्न मत खाने के लिए, जैसे गेहूं दाल, जैसे आप लोग अभी नवरात्र करते हो ना ऐसे व्रत होता है, फल मूल खा करके उसमें गेहूं जाती है चावल ये सब दाल नहीं खानी चाहिए। इसलिए बताए इसमें सारे पाप रहता है, गोहत्या नरहत्या ब्रह्म हत्या ये जितने सारे पाप अन्न में रहता है, और ये सब चीज ही खाओगे तो बीमारी हो गई। बीमारी होने पर क्या लेना पड़ेगा? मेडिसिन। देखो इसका नाम मेड ईट सीन क्रोसीन क्रोसीन मेडिसिन टेराइसिन। सीन मतलब क्या? पाप है। बोले सब बीमारी क्यों हो रही है? पाप से। इसलिए मेडिसिन, इसलिए सब सीन 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 सब किया, ये प्रॉपर साइंस ही है। इसलिए कोशिश करना एकादशी व्रत ऐसे एक व्रत है जो व्रत करने से सब व्रत हो जाता है, जो मांगोगे सब कुछ फल आपको एकादश से मिलेगा। ठीक है, कृष्ण रूप में तैयारी है? तैयारी है कृष्ण रूप में। ठीक है, अभी कृष्ण रूप में आएंगे, पांच मिनट में कथा को विश्राम दे देंगे, लेकिन ये कथा विश्राम देने से मेरे माता जी बैठ जाए। सुचिता तो नहीं, आपका पतिदेव कहाँ है? आपका प्रभु जी कहाँ है? देखो ये जो भागवत कथा है हमारे श्री सुचित्रा देवी प्रभु जी ने उनको बुला इधर प्रभु जी, हमारे श्री सुचित्रा देवी ने इनके जो पिताश्री थे, माता जी पिताश्री का नाम क्या है? राजकुमार कोहली। कहते इनकी इनका देहांत में इनकी आत्मा को शांति मिले, हाँ इनका आत्मा को शांति मिले सुख में रहे, इनकी उद्देश्य में इन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा रखा है। कहते भागवत कथा की इतने महिमा पहले आप लोगों ने सुने हैं, जब धुंधुकारी ने शरीर त्याग दी उनको नाम कया में पिंड दी कोकर न, लेकिन जब घर में आया ना देखा फिर भूत बन कर बैठा हुआ। बोले तेरे नाम पर दया में पिंड दिया तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतने पाप किया है 100 बार पिंड दो मुक्ति नहीं मिली। जब सूर्य देवता को प्रश्न की बोले केवल भागवत कथा सुनाओ, भागवत कथा से ही मुक्ति मिलेगी, और भागवत कथा विश्राम होते ही सचमुच से वैकुंठ से रथ आया और उन्होंने रथ में बैठे करके चतुर्भुज रूप लेकर बैठे और सीधा उन्होंने वैकुंठ विजय किया। इसका मतलब बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, अगर एक बार भागवत कथा सुन ले इससे जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने उनकी उद्देश्य में उन्होंने भागवत कथा रखवाई और इन्होंने पूरा दिन खोल करके आप लोग देखे होंगे कितने बढ़िया बढ़िया प्रसाद, एकदम बढ़िया बढ़िया प्रसाद, और ये हाल घर को उन्होंने लिए और अच्छे से अच्छे तरह से भक्तों को बुलाए, कीर्तन करते हुए उन्होंने
ये भागवत कथा रखाई, इसलिए आप लोग हमारे इनकी परिवार और जो जो प्रभु जी थे उनकी धर्म कथनी, क्या माता जी का नाम, हाँ कथनी का नाम कृष्णा को, नाम कितना बढ़िया नाम है, कृष्णा मतलब राधा जी का नाम और कृष्णा मतलब द्रौपदी का नाम भी कृष्णा है, नाम कितने प्यारे नाम रखे, और उनकी बेटी भी बैठी हुई क्या नाम, हाँ श्यामा प्रिया सुजाता कोई, और जो उनका जो पुत्र है संजय प्रभु जी, और उनका पत्नी का नाम रेणु कोई, और उनका सुपुत्री गौरी है, और इनका जो दो बेटे हैं एक का नाम है श्री अनिरुद्ध और एक का नाम है कृष्णादि के साथ, इसलिए और इनकी पूरा परिवार और इनका जो परिवार के कौन कौन है सब, इनका नाम तो लिखा हुआ लेकिन पता नहीं कौन इनका नाम है, इसलिए इनका परिवार लोगों ने मिल करके बड़े सुंदर इन्हें भागवत कथा रखवाए और बड़ा चढ़ा करके हृदय दिल खोल करके इन लोगों ने भागवत कथा की, इसलिए मैं ठाकुर जी के पास में और भक्तों के पास में प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी इनकी पूरा परिवार को ऊपर आशीर्वाद करें, इनको ऊपर में कृपा करें और इनका परिवार सुख शांत में रहे और प्रभु की भक्ति करें, और इनका जो दो बेटे हैं ना वो बड़े भक्त है भगवान की, बड़े भक्त उनका परिवार है, इसलिए और ये भागवत कथा में जो लोग कथा सुनने के लिए आए हो देखो घर में कितने आराम में बैठे हुए होते, लेकिन दो दो तीन तीन घंटा आ करके यहाँ पर बैठे, अगर श्री सुखदेव गोस्वामी आ जाते हैं, अगर श्री परिकीर्ति महाराज नहीं होते ना फिर ये कथा नहीं हो सकता, इसलिए जो लोग कथा सुनने के लिए आए हुए आप लोग श्री परिकीर्ति हो, इसलिए आप लोगों ने सारे सुख सुविधा छोड़ करके यहाँ पर जो आए कथा सुने, इसलिए हम भी ठाकुर को प्रार्थना करते हैं आप सबको पर में ठाकुर का आशीर्वाद हो कृपा हो, आप भी खूब फलते फूलते रहो, इसलिए आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ जोर से, और इन कथाओं में हमारे से माइक वाले कहाँ भैया कहाँ गए, उनका क्या नाम है माइक वाले, क्या नाम है सारनी धाम, हाँ इसलिए इन्होंने बड़े सुंदर माइक लगे, मतलब इतना नहीं उनका धर्म भक्ति उनकी बेटी ये सब के सब उनका भक्त परिवार है, बड़े सुंदर उनका माइक की व्यवस्था की, और हमारे साथ में श्री श्याम सुंदर प्रभु जो क्यासियों में आपको सब नचा लेते थे, और हमारे श्री श्रीधाम प्रभु जी बड़े सुंदर जो ढोलकी बजाते हैं, हमारे श्रीकांत प्रभु जी जो पेड़ बजाते हैं, और श्री रोहिणी भक्त प्रभु ये 18,000 श्लोकों भी पढ़ रहे हैं, इसलिए आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, ठाकुर जी इनको भी कृपा और आशीर्वाद है, और यहाँ पर जो आप लोग प्रसाद पाते हैं ना कथा के बाद में जो बड़े सुंदर प्रसाद वाला भैया है, इसलिए उन्होंने भी बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने प्रसाद बनाए हैं, प्रसाद बनाए ठाकुर जी इनको भी ठाकुर जी कृपा इनको ठाकुर इन सब ऊपर में ठाकुर जी की आशीर्वाद और इनको ऊपर में ठाकुर जी कृपा हो, सबके सब भजन करें, देखो मेरे को भी तो कुछ देना पड़ेगा, हमने 7 दिन तक कथा सुनाया, इसलिए नियम है अगर कुछ नहीं दोगे ना फल नहीं मिलेगा कथा सुनने का, इसलिए मेरे को भी याद हो गया मेरे ऊपर में आप सब आशीर्वाद दो, आप लोग मेरे सब पिता माता हैं, इसलिए आप सब सब मेरे ऊपर में आशीर्वाद दो, जैसे सारा जीवन हम साधु संतों की सेवा करते करते और आप लोगों की सेवा करते करते जैसे मेरा जीवन बीत जाए, इसलिए आप लोग ऊपर से नहीं आप लोग अपना हृदय से मेरे को आशीर्वाद दो, ठीक है, और आप लोग अगर हमने कथा में अगर कोई चीज अच्छी लगी तो ये हमारे गुरु वर्ग का कृपा है, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है, लेकिन अगर कोई चीज आपको कठिन लगा जैसे थोड़ा गंदी चीज को छोड़ो, गंदी चीज छोड़ने के लिए कष्ट लगता है, भजन करो कोशिश की आपको भजन में लगाने के लिए, अगर कोई चीज अगर आपका हृदय में कोई कष्ट पहुंचा तो आप लोग मेरे को माफ कर देना, अपना पुत्र मान कर, ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण रुक्मिणी को ले आओ, अब उनको दोनों हाथ में ना दोनों माला दे कर दिया, ठीक है, अभी कृष्ण रुक्मिणी की शादी उसके बाद में फिर विश्राम हो जाएगी, बोले देखो विदर्भ देश में भीष्म का नाम के राजा थे जिनकी 5 बेटे सबसे छोटी बेटी श्री रुक्मिणी, ये माँ लक्ष्मी स्वयं, ये बात नारायण ये बात नारद जी को पता था, बचपन में उन्होंने रुक्मिणी को कथा सुनाते सुनाते उसके हृदय में पूरा कृष्ण हृदय में बैठ गई, बोले मैं शादी करूंगी तो द्वारकाधीश को, लेकिन बड़ा भाई बोले नहीं
कृष्ण से शादी नहीं होगी, वो गैया चढ़ाता था, शादी होगी तो किसी राजा को साथ में, बोले शिशुपाल को साथ में। इतने में रुक्मिणी को पता चला तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाई, बड़ी सुंदर एक पत्र लिख कर पहुंचा दिया। अभी कृष्ण पीली पत्र देख रहे, समझ गए प्रेम की पत्र है। वो पत्र में इतने सुंदर शरणागति लिखी हुई थी, कृष्ण केवल पढ़कर के उनको उद्धार कर लिया। क्या लिखी हुई थी उसने, बोले हे प्रभु जगत में सबसे सुंदर तू, जगत पति जगन्नाथ तू। पति मतलब क्या होता है, पा मतलब पालन करना, ती मतलब संसार से जो प्राण करते, तुम ही संसार से प्राण और पालन करने वाले तुम हो। जगत में कोई पति रहने का लायक है ही नहीं, क्यों देखना हर जन्म में नया पति मिलता है, मांग भरते हैं, सिंदूर लगाते हैं, शंखा पहनते हैं, लेकिन सब टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद में सब टूट जाती है, क्योंकि ये टाटी पेशाब का थरी कभी पति नहीं हो सकता है। इसलिए कहते ना, ऐसे बर को क्या बरे जो जन्म ही और मर जाए, बर बरी और गोपाल दूसरे जो चूड़ल अमर हो जाए। इसलिए हे प्रभु अगर आप मेरे को उद्धार नहीं करोगे ना, जन्म जन्मांतर का प्राण त्याग करूंगी, लेकिन जगत में किसी सियार को ग्रहण नहीं कर सकता। तू पुरुष और सिंह हो, अगर शेर का हिस्सा कोई सियार ले जाए ना, ये शेर का ही बदनामी है। इसलिए प्रभु जरूर मेरे को उद्धार करो। बोले उद्धार करो कैसे, बोले हमारी कुल में एक प्रथा है, बेटी शादी से पहले ये राजमहल से बाहर जाती है। जब मैं बाहर जाऊंगी उसी समय में अपना पराक्रम को दिखाना, सब कुछ उसने पत्र में लिख दिया। वो ब्राह्मण कृष्ण को पत्र दिया, इतने में भगवान कृष्ण स्वयं आ गए। इतने में रुक्मिणी सहेलियों के साथ में देवी पूजा करने के लिए गई, वहां पर शंकर पार्वती प्रकट हुए। वेद मंत्र से उन्होंने कृष्ण रुक्मिणी को अंदर में शादी करा दिया, किसको पता नहीं चला। इतने में जब रुक्मिणी जब निकली, रुक्मिणी कौन है, ये जगदम्बा जगजननी मां लक्ष्मी। उसने थोड़ी सी घूंघट उतारी, इतने सुंदर थी, जितने संत सामक थे वही पर बेस हो गई। इतने में कृष्ण बीच में प्रकट हुए और रुक्मिणी को हाथ को पकड़े और रथ में बैठाए और प्रभु रुक्मिणी को लेकर चले गए। इतने में जब उनका होश आया, भैया रुक्मिणी कहाँ गई, बोले जिसका था उसने ले गया। बोले मारो मारो पीटो पीटो। इतने में दाऊ भैया आए, बोले कन्हैया कोई चिंता मत कर, तू रुक्मिणी को लेकर के जा, मैं इनको देख लेता हूँ। बलदेव प्रभु अपना हाल मुसल को निकाले, सबका मार मार करके भगा दिए और कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में गए और बड़े धूमधाम से कृष्ण और रुक्मिणी की शादी हुई। बोले श्री कृष्ण रुक्मिणी की, और जोर से जयकार करो, बोले श्री कृष्ण रुक्मिणी की। अभी इनको माला बदला करा, उस तरफ से खड़े हो जाओ, माला बदला करा, एक दूसरे को माला पहना। रुक्मिणी रमण भगवान की जय, जय श्री राधे। अभी प्रभु जी बड़ा सुंदर भजन लगाएंगे, कृष्ण रुक्मिणी की विवाह की। आप लोग सब खड़े होकर के भगवान के साथ में जरूर नाचना, क्योंकि आज द्वारका देश का शादी है। अगर ठाकुर जी के साथ में जो नाचेगा ना, फिर 84 लाख जन्म में नाचना उसको पड़ेगा नहीं। इसलिए सबके सब खड़े होकर के ठाकुर के साथ में सब कुछ नाचना, सबके सब खड़े होकर I'm
उधर से उतर करके चले जाए।